ओके सो सबसे पहले सबको नमस्कार, प्रणाम। और साथ साथ में सबको वेरी वार्म वेलकम। दिस इज सी ए फाइनल लॉ फर्स्ट लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मई जून रिकॉर्डिंग में, एंड विच इज अवेलेबल फॉर नवंबर 20 एग्जाम एट द सेम टाइम मई 21 एग्जाम। आज का लेक्चर का इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं कि आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली क्या क्या करने वाले हैं। इंडेक्स आपके सामने है, एक एक पॉइंट करके हम लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? सो बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहना। सबसे पहले आज का लेक्चर शुरू करने के पहले कुछ चीजें मेरे बारे में, और कोई भी चीज मेरे बारे में सुननी है उसके भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है यहां पर तो दैट इज हम बेसिकली किस तरीके से मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, यह चीज को समझना। सबसे पहली चीज, अगर आपको हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहना है तो vsmartacademy.com/darshan sir, ये हमने एक पोर्टल शुरू किया है जैसे विशाल सर का है, जिसके ऊपर आप मुझसे कनेक्टेड भी रह सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप अपडेटेड भी रह सकते हो स्पेसिफिक आपके अटेम्प्ट के लिए। यहां पे सभी वीडियो, सभी पीडीएफ नोट, सभी चीजें हमेशा अपडेट रहती रहेगी। सो प्लीज आप इसके ऊपर हफ्ते में एक बार विजिट करना ना भूलिए। अब स्टार्ट करते हैं कुछ मेरे बारे में, फिर कुछ आपके बारे में, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीजें पहले जरूरी होती है। अपडेशन वगैरह लॉ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उस सिचुएशन में आप कुछ मेरे बारे में, फिर जाते हैं जानते हैं कुछ आपके बारे में, फिर जाएंगे थोड़ा सा कोर्स सिलेबस की तरफ, और फिर मैं बताऊंगा आज का लेक्चर किस तरीके से कंडक्ट होने वाला है। सो फर्स्ट एंड ऑफ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विथ स्टूडियो रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम एवर इन द लाइफ, जो इस हिसाब से किया गया है कि हम अपडेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाए हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो नवंबर 20 और मई 21 एग्जाम या उसके ऑनवर्ड्स वाले अटेम्प्ट देना चाहते हैं। पहले कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है दर्शन खरे, नाम तो सुना होगा। ओके मेरा नाम है दर्शन खरे, आई पास्ड सीए इन जून 2009, जून 2009 में इलेक्शन थे, दैट्स व्हाई एग्जाम डिलेड थे, दैट्स व्हाई आई पास्ड सीएस इन दिसंबर 2010, और मैंने बीकॉम भी किया है। बीकॉम सीएसएस बीकॉम, ठीक है? सो मैंने बीकॉम भी किया है एंड एट द सेम टाइम मैंने 1.5-2 साल तक जॉब किया और स्टैट्यूटरी कंपनीज के ऑडिट किए जैसे फिनोलेक्स, पाइसर, थर्मैक्स एक्सेट्रा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छा टीचर बन सकता हूं, अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छा टीचर बनूं। देयर आर मेनी लेजेंडरी टीचर्स जैसे विशाल सर वगैरह, सो बहुत अच्छा टीचर बनूं ऐसा मेरी इच्छा है और मैं कंसिस्टेंटली इसके तरफ मेहनत करता रहता हूं। मैं इस प्रोफेशन में बाय पैशन हूं पिछले नियरली अब 10 सालों से। आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इन 2011 और वी आर इन 2020, नियरली 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस बार। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो ऑडिट का मेरा बहुत एक्सपीरियंस है वो स्पेसिफिकली लॉ में मैं यूज करता हूं। स्पेसिफिकली आई एम इन्वॉल्व इन द कंपनी लॉ मैटर्स और अलाइड लॉ मैटर्स, साथ में प्रैक्टिस भी चलती है, पर प्रैक्टिस बहुत सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एरियाज में चलती है। वो सिर्फ इसलिए करता हूं कि बच्चों को पढ़ाते वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊं, बाकी उस पीछे प्रैक्टिस के पीछे कोई मकसद नहीं है जिंदगी में, तो ये चीज को याद रखना। उसके बाद में अगली चीज, हम क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा क्लास के रूल्स को हम समझते हैं, सो उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है एंड एज इट इज अ स्टूडियो रिकॉर्डिंग तो कुछ रूल्स हमें सेट करने पड़ेंगे। नॉर्मली लाइव बैच होता है तो काफी इंटरेक्शन होता है, बट स्टूडियो रिकॉर्डिंग में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि हम चीजों को इतने आसानी से और इसे इतने स्मूथली मैनेज कर पाए और इतना इंटरेक्टिव सेशन बना के रखे। बट मेरी तरफ से 2000%, 2,00,000% ट्राई है कि मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाता रहूं। सो हम कुछ रूल सेट आउट कर रहे हैं इस बात के लिए कि आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग का काफी एडवांटेज मिल पाए, क्योंकि आपको अपडेटेड लेक्चर्स भी चाहिए, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी चाहिए, नवंबर एग्जाम के लिए भी चाहिए, वो भी इंटरेक्टिव चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, सो आपको भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सो कुछ रूल्स बनाते हैं। रूल नंबर वन, सबसे पहले आप जब लेक्चर देखने बैठो तो एक स्पेसिफिक समय स्लॉट डिसाइड करके बैठो कि आप इसी समय इसी वक्त लेक्चर देखोगे। सो अगर आप लॉ का लेक्चर देख रहे हो और आप डिसाइड करते हो कि नहीं मेरे को मॉर्निंग 7 to 10 में बैठना है तो 7 to 10 में ही बैठो, कोई दिक्कत नहीं, पर कंसिस्टेंटली बैठो। इससे एक समय पे, एक स्पेसिफिक जगह पे आपका ऑरा क्रिएट होगा जिस वक्त आपकी बॉडी और माइंड आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं ये समय में मुझे लॉ ही देखना है। इट विल हेल्प यू अलॉट, मार्क माई वर्ड्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। वैसे पेनड्राइव लेक्चर्स है तो आपके हिसाब से कैसे भी देखते हो, उसमें भी 1x 2x x लगा लगा के जिंदगी चल रही है तुम्हारी, है ना? 1x 2x 1.5x 1.75x है ना? सो ये x लगाना बंद करो लाइफ में, लाइफ में x लगाना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। सो
आई विश कि आप नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर देखिए और स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में ही देखिए। हालांकि मैं कितना भी बोलूं आप मेरी सुनने नहीं वाले, इसलिए मेरे को बार बार ये इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। दूसरी बात, जब आप ये लेक्चर्स करने के लिए बैठो तो मेरी तहे दिल से सबसे गुजारिश है, तहे दिल से मतलब दिल के अंदर से गुजारिश है कि आपके सेलफोन्स, ठीक है, आपके सेलफोन्स ये प्लीज यूज मत करना। अगर आप आपके सेलफोन्स के अंदर इन्वॉल्व रहोगे तो लेक्चर का कुछ कंटेंट मिस आउट होगा, जिससे क्वेरी रेज होगी, जो क्वेरी वापस आप मुझे भेजोगे तो मैं आपको वापस सेम रिप्लाई दूंगा कि बच्चों लेक्चर वापस से देखिए, लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। सो तीन घंटे के लिए इन बिटवीन ब्रेक्स आप इसको यूज कर सकते हो, पर तीन घंटे के लिए सेलफोन साइड में रख देना। मैं भी मेरा सेलफोन साइड में रख के बैठता हूं, तो ऑब्वियसली आपने रखना चाहिए, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। तीसरी चीज, अगर आपने किसी ने सेलफोन यूज किया ड्यूरिंग द लेक्चर तो याद रखना, मेरे को यहां से दिख रहा है येलो टी शर्ट पिंक टॉप, जो भी पेन ड्राइव लेक्चर देख रहे हैं सब मेरे को दिख रहा है, तुम कैसी कैसी हरकतें करते हो पता है, तुम कैसे कैसे पकड़े हुए कपड़े पहन के लेक्चर देखते हो पता है, तुम साथ में क्या क्या खाने को लेते हो, कोल्ड ड्रिंक सब पता है। सो अगर किसी ने ये रूल्स को फॉलो नहीं किया और सेलफोन यूज करने की कोशिश की, तो उसका सेलफोन घर आके मैं 24 घंटे के लिए कॉन्फिस्केट करूंगा, याद रखना, और उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा। फिर मेरे को ये मत बोलना कि सर मेरा रिलेशन बड़ा अच्छा चल रहा था, तुमने चैटिंग कर करके बिगाड़ दिया, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। ऑब्वियसली हर एक के घर पर तो नहीं जा सकता, बट प्लीज डू फॉलो दिस, देयर इज अ हंबल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट रूल ये है, इस बार मैं हर बैच में मैं ये चाहता हूं एज ए टीचर मैं इवॉल्व हूं, एंड एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूं कि एज ए टीचर इवॉल्व होते थे मेरा टीचिंग और मेरा कंटेंट इवॉल्व हो, साथ में सिर्फ मैं इवॉल्व होकर फायदा नहीं है, मैं स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली क्या डिलीवर करता हूं ये बहुत जरूरी है। तो इस बार से, हर बार मैं बोलता था कि 200 पेजेस के एक रजिस्टर बना लो, इट विल हेल्प यू, पर इस बार से अब मैं रजिस्टर दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। एक 200 पेजेस का क्लास वर्क आप रजिस्टर बनाओ, 200 पेजेस का क्लास वर्क रजिस्टर, एंड 100 पेजेस का फुल स्केप रजिस्टर। ये फुल साइज रजिस्टर होने चाहिए, छोटे मोटे रजिस्टर्स नहीं चलेंगे, प्रॉपर फुल स्केप रजिस्टर आपने 200 पेजेस का एक लेना है, जो क्लास के चार्ट्स डायग्राम्स वगैरह लिखने के लिए काम में आएगा। तो सर आप चार्ट्स डायग्राम्स बुक में नहीं दोगे? सब मैं बुक में दूंगा, मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट। कई बार ऐसा होता है पढ़ाते पढ़ाते कोई नया चार्ट सूझता है, कोई नया तरीका सूझता हो कि इस चीज को कैसे पढ़ाना चाहिए, अब वो जो नया तरीका है वो तो ऑलरेडी बुक्स में नहीं रहेगा, सो इट इज क्वाइट रिक्वायर्ड कि ये नया चार्ट और नया जो तरीका है वो आप आपके नोट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लो। और अगर आप ये आपके नोट्स पर रिकॉर्ड कर ले तो मैं बताता हूं आपको इसका 200% फायदा होगा। सो एक बुक हमको ये मेंटेन करनी है कि क्लास में मैं जितने भी चार्ट्स और रजिस्टर्स देता हूं उन सबको आप कॉपी कर सको, इसके लिए एक 200 पेजेस की बुक। इस 200 पेजेस की बुक के साथ में आपने एक 100 पेजेस की बुक बनानी है, मैं बताऊंगा इसका क्या यूज है, बट आई विल अश्योर यू कि अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो करते हो तो आपका लॉ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। लास्ट बैच तक के मैं ये बोल शायद नहीं सकता था कि रॉ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, बट मैं इस बार बोल रहा हूं क्योंकि इस बार मैंने जिस तरीके से बैच प्लान किया, भले स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, बट आई एम नॉट अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स विच कैन इंप्रूव योर लाइफ, विच कैन इंप्रूव योर स्टडीज। मैं कभी भी नई चीजें करने से डरता नहीं हूं ज्यादा, कोई भी चीज करोगे तो उसका निगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो नई चीज करने से वैसे भी डरना नहीं चाहिए। अगर नई चीज करने के लिए मैं डरता था तो अभी तक यहां पहुंचता ही नहीं था। सो मैं नई चीज करने के लिए नहीं डर रहा हूं, पर ये मैं खुद के ऊपर जब ट्राई करता हूं, इसका एनालिसिस करता हूं, 10-15 स्टूडेंट से, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से डिस्कस करता हूं, तब मैं ये चीज इंप्लीमेंट करता हूं, इसलिए आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। एंड आई विल अश्योर यू कि 200 पेजेस और 100 पेजेस की अगर आप बुक मेंटेन करते हो तो आई विल अश्योर यू आपका इस कदर लॉ प्रिपेयर होगा इस बैच में स्पेसिफिकली कि यू विल बी ऑन द क्लाउड 9 और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होगा कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। दैट इज माय प्रॉमिस एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, एक 200 पेजेस की एक 100 पेजेस की बुक। ये चीज होने के बाद में क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए देखो कैसे स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, मैं इकलौते रूम के अंदर बैठ के पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मेरे आप रूम की हालत देखोगे तो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको कि कैसी हालत है, बिकॉज वी आर इन द क्वारंटीन, मेरे घर का इंटीरियर का काम चल रहा है, पर सिर्फ अपडेटेड लेक्चर्स देने इस हिसाब से मैंने इस रूम को सेट किया है। सो आपको दिखाऊंगा डाउन द लाइन, कभी पॉसिबल होता है तो श्योरली मैं एक रूम के अंदर बैठ के पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं पूरे मेरे दिल से ट्राई कर रहा हूं कि मैं आप तक रीच कर पाऊं, और मैं आप तक रीच कर पाऊं इसके लिए ये क्लास को इंटरेक्टिव बनना जरूरी है। सो अगर ड्यूरिंग द क्लास में कोई सवाल पूछूं, कोई भी सवाल, एनी गॉडडैम क्वेश्चन आई आस्क यू, एनी डैम क्वेश्चन, डजंट मैटर, मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। आप घर पे बैठ के हेडफोन लगा के बिना माइक के बोलो, पर बोलो, कुछ भी करो पर बोलो। जो मैं यहां एक्शन आपके लिए करने को बोलता हूं, जो मैं हरकतें आपको करने को बोलूंगा, वो करिए, क्योंकि लाइव बैच में स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको बोलता हूं वो करते हैं, तो इमीडिएटली मैं उनको बोल सकता हूं कि अरे ये गलत हो गया एक्सेट्रा, यहां मैं आपको नहीं देख पाऊंगा।
सो आप सभी एक्शंस करिए। ये स्पेसिफिकली ये बैच मैंने कुछ इस कदर प्लान किया है कि भले इट इज अ स्टूडियो रिकॉर्डिंग बट इट शॉल एम्बॉस अ लॉ इन योर माइंड। सो आप करिए। मैंने काफी सारी टेक्निक सिर्फ इस स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए चेंज की है। सो प्लीज डू दिस, इट विल मेक योर क्लास मोर इंटरएक्टिव और लॉ आपके दिमाग में छप जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो कोई भी एक्शन करो, कोई भी सवाल पूछो। मैंने पूछा गधे को पैर कितने, बोलो जो नंबर तुम्हारे मन में आता है बोलो, 4, 5, 10, 15 हो सकता है, 5, 10, 15 वाला पैर वाला गधा किसी ने देखा हो, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। सो बेसिकली देखा जाए, मैंने पूछा गधे को पैर कितने, 4 बोला 4, 5 बोला मैं वो भी मान लूंगा। देखो आप स्टूडेंट हो, गलती करना आपका हक है। ये लेक्चर्स, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, मैं, ये जो हेडफोन लगा के रखे, तुम्हारा प्लेग्राउंड है। जहां अभी आप बैठे हो लेक्चर देखने के लिए, तुम्हारा प्लेग्राउंड है। गलती करना आपका हक है, उसको सुधारने का काम मैं करूंगा, उसको सुधारने का पहला काम मैं करूंगा। यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अगर आप गलती ही नहीं करोगे तो मैं क्या सुधारूं? जो पर्सन ऑलरेडी लॉ के अंदर गलती करने को ही रेडी नहीं है, सी गलती ना करना इसका मतलब ये नहीं यू आर लर्निंग, प्लीज डू अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चे समझते हैं गलती ना करना मतलब मैं बहुत सही जा रहा हूं। गलती ना करना इज द वर्स्ट वे टू डू एनीथिंग, वर्स्ट वे, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग देयर। सो गलती कीजिए बिंदास। गधे को पैर कितने, 5, तो 5 कोई दिक्कत नहीं। मैं लॉजिकली समझाऊंगा 5 का 4 कैसे है, दैट इज माई टेक। मैं अभी नहीं समझाने वाला, सॉरी, बट मैं समझाऊंगा लॉजिकली कि क्या मैंने सवाल पूछा है। सो प्लीज गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट चीज, जब भी हम लॉ पढ़े, ठीक है, तो हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। जब भी हम पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने कोई चार्ट लिखना नहीं है। जैसे ही मैं चार्ट यहां लिखना शुरू करता हूं, बच्चे पेन लेते, कहीं झड़ लिखना शुरू करते, कहीं सर चार्ट ना मिटा दे। तो ये पूरे क्लास के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं चार्ट ना लिखे। मेरा लिखना होने के बाद, चार्ट ड्रॉ करने के बाद, मैं आपको स्पेसिफिक समय दूंगा, वो समय के अंदर आप चार्ट लिख सकते हो। लेकिन एज इट इज अ स्टूडियो रिकॉर्डिंग तो मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं आएगा कि आप कितने समय में क्या क्या लिख रहे हो, तो आप चीजों को पॉज करके भी लिख सकते हो। एंड दिस विल बी रिक्वायर्ड, दिस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आपको चीजों को कई बार पॉज करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं और यहां लिखने के लिए कोई नहीं है। लाइव बैच में बच्चे रहते हैं, समझ में आता है कितना देर लिखता है लिखने के लिए, फेस टू फेस बैच में आइडिया क्लियर होता है। बट जब मैं देख नहीं सकता बच्चों को, तो आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा, वो चार्ट को रोक के लिखना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो प्लीज इतनी चीजें फॉलो करिए। आप अगर इतनी भी चीजें फॉलो करते हो तो काफी अच्छी चीज होगी, एंड दैट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं जाता हूं लेक्चर की तरफ, कुछ कंटेंट की तरफ, कि आपका आज का लेक्चर कैसा होना है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, आपको कई सारे सवाल होंगे अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग। तो मैं ये लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है उसको थोड़ा सा ब्लेंड करता हूं, हमेशा कुछ इस कदर ब्लेंड करता हूं कि आपको समझ में आए कि हम क्या क्या कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। फॉर स्मूथ स्टडीज टिल लास्ट मिनट, मैं जब ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूं, प्लीज इसको जरा गौर से सुनिएगा, ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूं, मैं इस हिसाब से नहीं दे रहा हूं कि आपको सिर्फ लॉ पढ़ाना है, मैं इस हिसाब से दे रहा हूं कि आपका लास्ट वाला मिनट जो है एग्जाम के अंदर घुसने के पहले वाले मिनट तक के मैं आपको हेल्प करूं। और ये बैच मैंने उसी हिसाब से प्लान किया है कि लास्ट मिनट तक के मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इट्स क्वाइट फ्रीडम फॉर मी, तो मैं मेरा 2000% देने की कोशिश करूंगा। तो आज का लेक्चर जो है गौर से सुनिएगा, आज का लेक्चर जो है वो दो चीजों को लेकर चलता है, पहले इंस्ट्रक्शंस और दूसरा कंटेंट। ये दोनों मिक्स्ड है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर जैसे मैंने इस इंडेक्स में दिखाया, फिर एक बार बोल दूं, हम ये रिकॉर्डिंग का टाइम डिस्कस करेंगे कैसा है, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि पहले लेक्चर में ही आपको अगर मैं चीजें बोलूं एज इट इज अ डेमो लेक्चर, तो यू कैन टेक अ वेरी गुड डिसीजन, रैशनल डिसीजन, वेदर टू गो विद दिस लेक्चर्स और माय ओल्ड लेक्चर्स। दूसरा सिलेबस, तीसरा बुक्स, चौथा अमेंडमेंट्स, पांचवा हाउ टू स्टडी एंड अपडेट, हाउ टू स्टे अपडेटेड, सिक्स्थ हाउ टू आस्क अ क्वेरी, ये भी हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस है, पर ये इतना समय कवर नहीं करेंगे, फटाफट मैं आधे इंस्ट्रक्शंस को यहां पे बोल दूंगा अगले 15-20 मिनट के अंदर। कंटेंट्स फिर हम शुरू करेंगे, व्हाट इज लॉ, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लॉ, और अगर आज पॉसिबल हुआ तो हम प्रोसेस ऑफ लॉ तक के पहुंचने की कोशिश करेंगे, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कुछ चीजों के साथ में। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है रिकॉर्डिंग टाइप का। अब ये फर्स्ट लेक्चर तो मैंने आपको एज अ जेन्युइन पर्सन, एज अ रैशनल पर्सन आपको बताना चाहिए कि रिकॉर्डिंग कौन से बैच का है और किस तरीके से आप इसके साथ कोप अप कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, बिकॉज इट इज स्टूडियो रिकॉर्डिंग और मैं लॉकडाउन के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज वेरी गुड, वेरी रिक्वायर्ड। हाँ प्लीज, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद देख रहे हो और कोई आपके फ्रेंड को रिकमेंड कर रहे हो तो ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना जरूरी है, नहीं तो आगे की चीजों के लिए इंस्ट्रक्शन से नहीं मिलेंगे। फर्स्ट, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, ये फेस टू फेस रिकॉर्डिंग नहीं है।
पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई विल अश्योर यू कि मैं आपको 1000% कंसेप्ट क्लैरिटी दूंगा और ये जरूर होगी, जरूर होगी। भले ही ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है पर हम कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तीसरा, डू नॉट एक्सपेक्ट अ ह्यूज फन एलिमेंट, बहुत ज्यादा इंटरएक्टिव सेशंस, बट मैं आदमी ही वैसे फनी हूं थोड़ा थोड़ा सा, मतलब मेरे को तो भी लगता है, तो फन एलिमेंट जरूर रहेगा पर इतना नहीं रहेगा जितना नॉर्मली फेस टू फेस मैच में होता है, बट आई विल श्योरली ट्राई कि आप बोर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, वन लेक्चर विल बी अपलोडेड डेली टिल द एंड ऑफ जून 2020। 60 लेक्चर्स मेरे को लगते हैं टोटल। 25 अप्रैल से हम फर्स्ट लेक्चर अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, तो डेली एक लेक्चर अपलोड होगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जून एंड तक के आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। और ये बैच जून एंड तक कंप्लीट होगा विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, विथ क्वेश्चनेयर, विथ एनालिसिस। और भी दो तीन चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहता हूं आपके लिए। इट विल हेल्प यू अलॉट, आई प्रॉमिस यू इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि बहुत अच्छे से बैच प्लान किया है इस बार मैंने। मतलब अगर ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन जो इस अर्थ के ऊपर रहेगा, एंड यू विल ऑल्सो बी, दैट इज आई एम श्योर ऑफ। नेक्स्ट, डिजिटल नोट्स, पीडीएफ नोट्स, ये आपको अभी दिए जाएंगे अगर आप लेक्चर परचेस करते हो तो। आपको फिजिकल कॉपी जरूर मिलेगी एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद, लेकिन पुणे का लॉकडाउन खत्म होने के बाद, इंडिया का लॉकडाउन नहीं। लेट मी क्लैरिफाई यू, पुणे इज अंडर द रेड जोन, रेड जोन में हम लेक्चर ले रहे हैं पूना में, तो पूना जब शुरू होगा तभी आपको नोट्स हार्ड कॉपी में शिप कर दिए जाएंगे, लेकिन ये उन्हीं को शिप किए जाएंगे जिन्होंने हार्ड कॉपी शिपमेंट सिलेक्ट किया है और शिपमेंट के लिए जिन्होंने पैसे पे किए हैं। ऑब्वियस बात है, वहां शिपमेंट कॉस्ट आता है, वो आपने पे किया है, आपका ऑर्डर देखना और शिपमेंट वाला ऑर्डर करना अगर आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स चाहिए तो। नेक्स्ट, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऑर्डर तो नहीं दे सकता तो जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बी रेडी फॉर एनी टेक्निकल डिफिकल्टी एज वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम एंड इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इजीली। हम घर से काम कर रहे हैं, वी स्मार्ट का 100 लोगों का स्टाफ था, क्वारंटीन और लॉकडाउन की वजह से ये रिड्यूस हो गया है 15-20% पे, हार्डली 15-20 लोग काम कर रहे हैं और ये भी घर से काम कर रहे हैं, वो भी मोबाइल के हॉटस्पॉट पे। कॉल सेंटर्स तो बंद ही है, तो आपको कोई भी क्वेरी आए तो कॉल अवॉइड कीजिएगा, आप मेल कीजिएगा, मैं आपको मेल और क्वेरी पूछते वक्त बताऊंगा कि कहां कहां आप क्या क्या मेल कर सकते हो, सो प्लीज गो विद दिस। सो कोई भी टेक्निकल चीज के लिए आप रेडी रहिए प्लीज, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, 4 दिन पहले का टेंशन था मेरे को, ये बैच रिकॉर्ड करना शुरू करना था, ये पेन है जो पेन हम यूज करते हैं लैपटॉप पे लिखने के लिए, इस पेन के अंदर एक बैटरी लगती है, जो बैटरी होती है 4A बैटरी। मैं आपको मजाक नहीं बोलता, ये 4A बैटरी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में पुणे में नहीं मिलती थी, हमको ये 4A बैटरी अमेज़न से मंगवानी पड़ती थी और अमेज़न की डिलीवरीज बंद है, तो ये लेक्चर का पूरा डिपेंडेंसी, मतलब इट इज फनी, वेरी माइनर प्रॉब्लम बट कि हाउ बिग सीन इट कैन क्रिएट। एक 4A 4A वाली बैटरी, अपनी नॉर्मल बैटरी हम यूज करते हैं 2A, फिर रिमोट के सेल की होती है 3A, ये 4A जो बैटरी है ये प्रोक्योर करने के लिए पूरा घर उल्टा सुलटा करना पड़ा कि एक आधी बैटरी कोई अवेलेबल है क्या। This is how technical difficulties we are going through. So please be ready. ठीक है, ये सब चीजें मुझे बोलना जरूरी है, अदरवाइज आप लेक्चर परचेस कर लोगे एंड फिर आपको ये सिचुएशन क्रिएट होगा। बट हमारा ट्राई है, अभी हमने और 4A बैटरीज ऑर्डर करके रखे हैं, मैं सभी टेक्निकल इक्विपमेंट जमा करके रखे हैं, 60 लेक्चर्स के लिए लगने वाले सभी 2A सेल, माइक के सेल, सभी इक्विपमेंट डबल में लेके बैठा हूं। बट स्टिल ये रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल क्वेरीज आ सकती है, टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती है, प्लीज बी रेडी रहना, उसके अंदर थोड़ा समय हमारा जा सकता है बट वी विल बी बैक, दैट इज फॉर श्योर। There can be holidays in between, depending on the recording situation and considering Sundays and personal holidays. बीच बीच में हो सकता है कि 7 consistent lecture लेने के बाद में हम एक आधा holiday ले, क्योंकि too much of the same will not be consistent. इसलिए मैं maximum आपको June end तक बोल रहा हूँ, which is more than 65 days, तो जिसके अंदर holidays भी cover हो जाएंगे. Next, it is a humble and with all heart attempt to provide you with the best lecture. ये सच में with all our attempt है. Actually घर के अंदर मैं recording कर रहा हूँ, हम पहले तो ये decide कर भी चला गया old lectures ही दूँ या नए दूँ, तो ऐसा लगा कि यार नहीं, बच्चों को जरूरत है, तो मैं बहुत दिल से try कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे lectures provide करूँ, but please कोऑपरेट करने की कोशिश करना अगर कोई बीच में प्रॉब्लम हो तो, बिकॉज कोरोना भी हमारे लिए पहले सिचुएशन है, लॉकडाउन भी हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम सिचुएशन है, वी आर नॉट श्योर कि बीच में क्या प्रॉब्लम आएगा, होप सो कि कोई प्रॉब्लम ना आए, सो वी आर वर्किंग ऑन द सेम जरूर। ठीक है, सो ये चीज को आपने याद रखना। नाउ आई विल गो फॉर सिलेबस एंड बुक्स, कि क्या आपका सिलेबस है और आपको कौन से टाइप के बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ये जो सिलेबस है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट है कंपनी लॉ जो है 70 मार्क का और दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक लॉ जो है 30 मार्क का। अब अगर मैं बात करूं जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ इतना सिंपल सिलेबस तो सीए का जिंदगी में कभी नहीं हुआ है ना, सो इतना सिंपल सिलेबस तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपन। सो जो कंपनी लॉ है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में,
क्या मजाक कर रहे हो सर? हाँ बेटा अभी सुनते जाओ, शुरू हो गया तुम्हारा सीए फाइनल लॉ। सो ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। सो तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग प्रोविजन। आपने सीए इंटर में कंपनी लॉ पढ़ा होगा, ऑडिट चैप्टर तक के जो था सेक्शन 148 तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुरू होता है एग्जैक्टली उसके एक सेक्शन बाद 149 से लेकर 205 तक इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में वैसे 470 सेक्शन है, 470 में से 148 सेक्शन आपके सीए इंटर पे हुए होंगे न्यू सिलेबस में। अगर आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हो, ओल्ड सिलेबस के होंगे तो 122। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 149 से लेकर 205 है। फिर मिसलेनियस टॉपिक कंपनीज एक्ट, मिसलेनियस कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स जिसके अंदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, फॉरेन कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, मिसलेनियस टॉपिक्स, ऐसे बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो है 206 से लेके, सेक्शन नंबर 206 से लेके चलता है ये, और ये चलता है 470 तक। सर यहां तो कंपनीज एक्ट खत्म हो गया, तीसरा पार्ट कौन सा बचा? सर तीसरा पार्ट है बच्चों सिक्योरिटी लॉ। इंस्टीट्यूट को आपकी स्माइल पसंद नहीं आती ना, आप इतने खुश हो ऐसे कैसे चलेगा? इतना सिंपल, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक लॉ है, ऐसे थोड़ी करेंगे। सिक्योरिटी लॉ, उसके अंदर उन्होंने दो एक्ट्स डाल दिए तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम करने के लिए। पहला एक्ट डाला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जरूर जरूर सुना होगा। सो पहला एक्ट उन्होंने डाला जो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, जिसका ईयर है 1992। और दूसरा एक्ट उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करने वाला एक्ट डाला, सिकरा, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इनके सभी लॉन्ग फॉर्म्स वगैरह ये आपके नोट्स के अंदर बकायदा लिखे हैं। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, यहां स्पेस सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूं, लेकिन आपने कभी शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं, ये चीज को अच्छे से याद रखना। और जो इकोनॉमिक लॉ है, जो इकोनॉमिक लॉ है वो है 30 मार्क्स का, जो कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। और ये 30 मार्क्स के इकोनॉमिक लॉ में आपको अलग अलग लॉज आएंगे। जैसे इकोनॉमिक लॉ का सबसे पहला लॉ आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ईयर है 1999। दूसरा है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ईयर है 2016। तीसरा है दैट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट इज 2010। चौथा लॉ है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002, ठीक है। पांचवा लॉ है दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। सर मजाक कर रहे हो, जिंदगी में इतना बड़ा कोई लॉ का नाम होता है? है बेटा, और अपन सीए फाइनल पे, अपनी जिंदगी तो झंडे, तो इतना बड़ा लॉ तो हमारे नाम तो बनता है अपने इसमें, तुमको तकलीफ कैसे होगी? वरना मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने ये लॉ सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसका नाम बच्चों को याद ही नहीं होगा इस हिसाब से सिलेक्ट किया है। पर हम इसका नाम भी याद करके मानेंगे और ये लॉ भी याद करके मानेंगे, ठीक है। एंड लास्ट लॉ, दैट इज लॉ नंबर 6, आता है हमारा आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलियशन एक्ट, इसका ईयर है 1996। सो इतने लॉज है जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ लॉज हम हमारे पूरे सिलेबस में कितने पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ लॉज आर देयर इन अवर एंटायर सिलेबस, ये हमको समझना जरूरी है बच्चों। आ जाइए तो इसको मैं समझाऊं। सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट, ये वाला पोर्शन नंबर 1, सेबी दूसरा लॉ, सिकरा तीसरा लॉ, और ये 6 लॉज, मतलब टोटल हम हमारे वोल सिलेबस में 9 लॉज पढ़ रहे हैं सीए फाइनल लेवल पे कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में। ये चीज को आपको समझना बड़े अच्छे से जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसके लिए बुक्स क्या क्या दोगे? तो बुक्स का मैं यहां पे लिस्ट बनाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट वेरी प्रॉपरली, ये समझने में आपको बहुत जरूरी है, कोई बुक मिस आउट ना हो जाए इसलिए, सो ध्यान देना। सबसे पहला मॉड्यूल हम दे रहे हैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मॉड्यूल, डायरेक्टर्स मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं, डायरेक्टर मॉड्यूल जो है कलरफुल मॉड्यूल, जो है कलर मॉड्यूल, ये चीज को आपने याद रखना है। दूसरा मॉड्यूल जो हम आपको दे रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट का मिसलेनियस टॉपिक मॉड्यूल, और ये मिसलेनियस टॉपिक मॉड्यूल भी कलर मॉड्यूल है, पूरा 4 कलर मॉड्यूल, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस, फोटोज, ग्राफ्स, चार्ट्स, एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद में तीसरा मॉड्यूल जो हम आपको दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं कलर मॉड्यूल इकोनॉमिक लॉ का, इको लॉ मॉड्यूल जो कलर मॉड्यूल है,
ठीक है। अब कंपनीज एक्ट, आप बोलोगे सिक्योरिटी लॉ का मॉड्यूल, सर सिक्योरिटी लॉ ये मिसलेनियस टॉपिक मॉड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। सिक्योरिटी लॉ इज अ पार्ट ऑफ मिसलेनियस टॉपिक मॉड्यूल। ये तीन मेन मॉड्यूल है, नियरली हर मॉड्यूल का साइज 200 पेजेस ऑन एन एवरेज है, जिसमें से डायरेक्टर का तो नियरली 200 पेजेस हो जाता है, मिसलेनियस टॉपिक का 250 पेजेस के आसपास जाता है, इकोनॉमिक लॉ नियरली 180 पेजेस के आसपास। सो इसके लिए रेडी रहना। चौथी चीज मैं आपको दे रहा हूं, सर आप कोई क्वेश्चन वगैरह दे रहे हो? लास्ट रिकॉर्डिंग के पहले मैंने एक जबरदस्त क्वेश्चन बनाया था, 650 प्लस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पास एग्जाम के, 400 पेजेस का क्वेश्चन एयर, 400 पेजेस का क्वेश्चन एयर, वो भी लैंडस्केप वाला, 650 प्लस क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, जिसमें हम मई 2002 से लेके टुडे आज तक के सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं, इंक्लूडिंग लास्ट 10 आरटीपीज, लास्ट 10 एमटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड रिवीजन टेस्ट पेपर के सभी क्वेश्चंस पिछले 10, ये हमने इसके अंदर कवर किए हैं। एंड आई विल टेल यू दिस इज इंडियाज बेस्ट क्वेश्चनेयर। और मैं आपको ये भी बोल दूं, इस क्वेश्चनेयर को हमने लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा सेल किया था, और मैं आपको बोल दूं अगर आप ये क्वेश्चनेयर सीरियसली कर लेते हो ऑन सीरियस नोट, तो मैं आपको बोलता हूं 70-80 मार्क का आपका पेपर देखा हुआ आएगा इन्हीं क्वेश्चनेयर के लॉजिक के ऊपर आएगा, बिकॉज 650 प्लस क्वेश्चन इज ह्यूज टास्क। 200-250 भी कोई सवाल नहीं करता, यहां 650 प्लस क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। और मैं ये भी बोल दूं कि ये क्वेश्चनेयर आपको मिलेगा, साथ में आपको एमसीक्यू बुक मिलेगा जिसके अंदर 1500 प्लस एमसीक्यूज सॉल्व करके दिए हैं। पर मैं आपको आज ही बोल दूं, एमसीक्यू पढ़ना इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, गुड स्ट्रेटेजी टू स्टडी। मैं देखता हूं बच्चों का एमसीक्यू होता है, बच्चे रोपार एमसीक्यू खोलना शुरू करते हैं। एमसीक्यू बुक देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी, इसलिए मैं दे रहा हूं। लेकिन मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि एमसीक्यू पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं 30 मार्क के। अगर आप स्पेसिफिकली एमसीक्यू पढ़ने जाओगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू शुड प्रिपेयर होल सब्जेक्ट कंसेप्चुअली। मैं आपको बोलता हूं अगर आप पूरा सब्जेक्ट कंसेप्चुअली पढ़ते हो तो आपके 25 मार्क के एमसीक्यूज आपको देखे हुए आएंगे, बिना एमसीक्यू, बिना एक भी एमसीक्यू सॉल्व किए। आई विल टेल यू दिस। So, कोई एमसीक्यू बुक को आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर ये एज अ लाइबिलिटी मेरे को देना पड़ता है, बच्चे बहुत पूछते हैं इसलिए मैं दे रहा हूं। बट प्लीज डू अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू स्टडी सेम। बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम बचा है, रिवीजन 2-3 हो चुकी है, एक्स्ट्रा ही टाइम बचा है, देन यू विल गो विद दिस, बट 3 रिवीजन से पहले नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद में एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, सिक्स्थ चीज जिसको मैं यहां पर, एक सेकेंड होल्ड, जिसको मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, दर इज सोल बुक। सर ये सोल बुक क्या है? अगर आपने टाइटल जो हमारा प्ले हुआ था स्टार्टिंग में आपका एक टाइटल प्ले हुआ था, अगर आपने वो टाइटल ठीक से देखा होगा तो सोल बुक के नीचे मैंने एक, क्या कहते हैं उसको, एक स्लोगन डाला है। स्लोगन नहीं है वो, एक्चुअली इट इज अ थिंग जो मुझे सूझी तो मैंने बोलना था। एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, समझने की कोशिश करना, 1-2 मिनट जाएगा पर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर आपको कोई झाड़ लगाया, फॉर एग्जाम्पल यू प्लांट अ रोज ट्री, ठीक है, गुलाब का आपने झाड़ लगाया, और गुलाब के झाड़ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि गुलाब लगेंगे, तो गुलाब के झाड़ से जब आपको लगता है गुलाब लगेंगे तो आप क्या करते हो? गुलाब दे दे, गुलाब दे दे, हे भगवान गुलाब दे दे, प्लीज गुलाब दे भगवान, दे दे एक तो दे दे, ऐसा करते हो कि इसको गुलाब लगना ही चाहिए? नहीं नहीं, मैंने झाड़ लगाया गुलाब क्यों नहीं लग रहे, ऐसा करते हो? या फिर आप उसकी सॉइल को चेक करते हो, मिट्टी को चेक करते हो, उसकी फर्टिलिटी को चेक करते हो, उसको हर बार पानी डालते हो, उसके अंदर फर्मेंटेशन डालते हो, उपजाऊ चीजें डालते हो, आप पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते हो, तब जाके गुलाब बाहर आता है। मेनी स्टूडेंट्स वॉन्ट टू स्टडी बट सॉइल इज नॉट फर्टाइल। बच्चे बोलते मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, ये बोलना इट इज एज गुड एज कि सिर्फ झाड़ रो दिया बिना पानी डाले, बिना मिट्टी को टेस्ट किए, बिना कोई फर्टिलाइजर डाली और एक्सपेक्टिंग अ रोज। यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ फ्लावर इफ यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सॉइल। दिस बॉडी, दिस माइंड इज अ सॉइल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। इफ दिस बॉडी एंड दिस माइंड इज नॉट फर्टाइल, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ फ्लावर ऑफ नॉलेज आउट ऑफ इट। You should not. Soul book is a good attempt to look at this soil, to make it fertile, to put a water in it. And I will tell you, if you implement this soul book regularly with me every day, I will assure you
that you will be more fertile at the end of the batch than today, whatever you are. So this is a good attempt to increase your fertility to study and to become successful. I have implemented this thing in my life from last 5 to 10 years. You can see what I'm doing. So if you really want to do something great, something good, बहुत अच्छी चीज़ आपको life में करने की इच्छा है, you should fertile your soil first. You should ferment it properly. You should take a fertilizer, pesticides. You should take care of it. Then I will assure you, it is not just a question of one rose. Gardens will blossom. Gardens will blossom. That I will promise of. हाँ, obviously, जिस person को जो अभी ये lecture देख रहा हो, जिसको सिर्फ इसमें interest है कि sir, नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ पढ़ाओ और खत्म करो, तो मैं आपको सिंपली ये बोलूंगा, इस चीज को मैंने सेग्रीगेट करके रखा है. ठीक है, जिसको सोल बुक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, इसको मैंने, जिसको खुद के ऊपर वर्क करने की कोई इच्छा नहीं है, जो ऑलरेडी सोचता है कि मैं बहुत अच्छा, हो सकता है देयर आर मेनी स्मार्टर ब्रेन एंड इंटेलिजेंट ब्रेन, तो उसको अगर कोई जरूरत नहीं तो नॉट अ प्रॉब्लम. तो इसलिए ये जो अटेम्प्ट है सोल बुक का टू फर्टिलाइज यू, आपने कई सारे पैक स्टूडेंट से सुना होगा, क्योंकि एक बैच में, लास्ट बैच में मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, 80% या 70% वो इंप्लीमेंट हुआ था, पर इस बार हम उसको 100% करेंगे. सो अगर आपने पास्ट बैच, जस्ट जिसने लास्ट अकॉर्डिंग लिया उससे रिव्यूज लिए होंगे, तो मैं इसको सेग्रीगेट किया है. जिन लोगों को सिर्फ पढ़ना है वो नियरली 3-3.5 घंटे का लेक्चर देखे, लास्ट के 15 मिनट भूल जाए, कि उनके लिए बने ही नहीं है, लास्ट के 15 मिनट इसके लिए बने ही नहीं है. और जो टास्क वगैरह मैं देता हूं, जिस इसके अंदर लिखा है, आप लेक्चर वाइज शेड्यूल देखिएगा, प्लीज प्लीज लेक्चर वाइज शेड्यूल देखिएगा, जिस भी लेक्चर के अंदर लिखा है सोल बुक, वो लेक्चर आपने नहीं देखना है, जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको खुद को फर्टिलाइज करना है, जिसको लगता है कि उसमें कुछ कमी है और खुद को फर्टिलाइज करना है और स्टडीज के लिए खुद को बहुत कैपेबल बनाना है, यू शुड गो विद दिस. बट इट इज नॉट कंपल्शन. मेरा कंपल्शन है पढ़ाना और आपका कंपल्शन है पढ़ना, तो मैं पढ़ाऊंगा और मैं आपको जरूर बोलता हूं, सोल बुक की वजह से हमारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान बिल्कुल हटेगा नहीं. मैं आपको सिंपली बोलता हूं, 1000% कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रिपरेशन, फिर समय बचता है तो सोल बुक है. यह मेरा हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्टडीज ही रहेगा और हमेशा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा. तो ये बुक मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज 6th बुक सोल बुक. इसके एडिशन में कुछ बेनिफिशियल अगर बनता है तो आई विल श्योरली ट्राई आपको प्रोवाइड करने का. फिलहाल उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो बोलूंगा कम और अगर हो जाता है तो करूंगा ज्यादा. मैं बोल दूं कुछ प्रॉमिस करो और जबरदस्ती आपके हाथ में वो ना आए, ये मैं नहीं चाहता. ठीक है, सो इसलिए इतनी चीजें मेरी तरफ से प्रॉमिस्ड. एडिशनली कुछ आता है तो आपके लिए बोनस ही है. ठीक है, इतनी चीजें मैं लास्ट बैच में भी देता था, अभी भी देता हूं. सो जिनको इंटरेस्ट है खुद को डेवलप करने में, वो प्लीज सोल बुक के साथ, लास्ट 15 मिनट्स हम सोल बुक वाला स्पेसिफिकली कंटेंट लेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है. सो हर लेक्चर का लास्ट 15-20 मिनट हम सोल बुक की तरफ देंगे, 3-3.5 घंटे का तो मिनिमम लेक्चर रहेगा. सो लास्ट 15-20 मिनट जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही मेडिटेशन, ना किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने लास्ट 15-20 मिनट देखने ही नहीं है. ठीक है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है खुद को डेवलप करने में, जो चाहते हैं कि उनके लाइफ में कुछ बेटर कर गुजरे, जरूर वो सोल बुक देखिए, इट इज रिक्वेस्ट. नहीं तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर आप क्लास में सोल बुक लेते हो बहुत टाइम पास होता है. बेटा पेन ड्राइव है, फॉरवर्ड कर ले, मत देख, अगला लेक्चर शुरू कर, इट इज क्वाइट इजी. ठीक है, कंप्लेन करने से तो बेटर ही है. तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना. तो इतने बुक्स में दे रहा हूं, अब समय आता है लिखने का. आप ये सब चीजें लिख लीजिए जो मैंने अभी बोर्ड के ऊपर दी है, इट विल हेल्प यू अलॉट. ये आपके डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए. इसमें भी मैं बोल दूं, 200 पेजेस की आपने जो बुक बनाई है, 200 पेजेस की आपने जो बुक बनाई है, वो 200 पेजेस के बुक के पहले 20 पेजेस, मतलब आई विल टेल यू 20 ज्यादा, आई गेस 30 पेजेस मींस 15 लीव्स, मतलब ये एक लीफ हुआ पूरा, लेकिन सॉरी ये ट्रांसपेरेंट हो गया. हाँ, सो ये एक लीफ हुआ पूरा, इसका फ्रंट और बैक ये होता है पेज, तो ये हो गया 1 और 2 पेज. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. सो ये 2 पेजेस हुए हैं आपके. सो आपने 15 लीव्स, दैट मींस 2 पेजेस जो है, 2 पेजेस पूरे, ऐसे आपने 30 पेजेस छोड़ने हैं. 15 लीव्स, 30 पेजेस, क्लियर है? वो ब्लैंक छोड़िए, फिर उसके बाद में आप ये सिलेबस वगैरह लिख सकते हो. गो फॉर इट फास्ट.
डन सबने लिख लिया एक बार, यस और नो? ओके, किसी का अगर, अब मेरे को अंदाजा एक्चुअली नहीं है कि आपका लिखना हो गया या नहीं हुआ, सो अगर किसी का रुका है तो थोड़ा रिवाइंड करके पॉज करके आप इसको लिख लीजिए या फोटो निकाल के लिख लीजिए और फिर आगे का लेक्चर आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? बुक्स बकायदा अच्छे से लिख लेना बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड कि आपकी हेल्प करेगा। हाँ, एक बुक तो मेरा लिखना है यार, सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहेगा जो हमारी जिंदगी है, बुक नंबर 7, बूस्टर बुक। बूस्टर बुक ये लास्ट 24 आवर्स के लिए बनाया गया बुक है, इधर जगह नहीं लगी रही इसलिए यहां लिखा, लास्ट 24 घंटे के लिए हम बुक लिया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है हमारा, क्योंकि मैं इस बुक से आपको बताऊंगा कि हमको करना क्या है। मैं ओवरऑल आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मेरा इस लेक्चर से एजेंडा क्या है, इस रिकॉर्डिंग से एजेंडा क्या है, सो दैट आपकी जिंदगी जो लॉ का डर है उसको हम खत्म ही कर सके, ठीक है? सो डोंट वरी। अच्छा, इकोनॉमिक लॉ के अगर आपको लॉन्ग फॉर्म से होंगे, इनके लॉन्ग फॉर्म से होंगे, कोई टेंशन ना लो, इकोनॉमिक लॉ से ही हम शुरू करने हैं पढ़ना स्टार्टिंग में, तो इनके लॉन्ग फॉर्म से अगले एक दो लेक्चर्स के अंदर आ जाएंगे, तब आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है? सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज होगी, ठीक है? चलो, ये चीज होने के बाद में नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वाला सिचुएशन। अब हम उस सवाल के ऊपर आते हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है हमेशा, सर अमेंडमेंट्स, आप अमेंडमेंटेड, क्या हमें बैच अमेंडेड दे रहे हो, कहीं इस बैच में कोई खामी तो नहीं, सर क्या आपने पूरे अमेंडमेंट पढ़े हैं, ऐसे कई सारे सवाल आपके अंदर होंगे, तो अमेंडमेंट के सवालों को मैं यहां पर खत्म कर दूं, आ जाइए, ठीक है? सो आई हैव टू स्टार्ट वन नोट फॉर दिस, जस्ट वेट फॉर दिस। और जितने भी लोगों को ये सवाल है क्या ये बैच में ले सकता हूं मई 21 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए, क्या मई 21 या उसके बाद के एग्जाम के लिए मैं ले सकता हूं बैच, ऐसा भी सवाल होगा कई सारे बच्चों को, ठीक है? तो जिन जिन लोगों को भी सवाल है उन सबके सवालों को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, आज जाइए बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना तो समझ में आएगा, ठीक है? लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि अमेंडमेंट कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं ऐसे अमेंडमेंट। सो सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि हम ये समझे कि अमेंडमेंट्स कैसे आते हैं, कहां से आते हैं और हमने किस तरीके से उसको टैकल करना है, ठीक है? सबसे पहली बात, मैं दो एग्जाम्स ले रहा हूं यहां पर, लेट्स से नवंबर 20 एंड मई 21, ठीक है? जो अगर नवंबर 20 के लिए एडवांस प्रिपरेशन करना चाहता है, लंबा थोड़ा सा टाइमलाइन ड्रॉ कर लूं, जो नवंबर 21 के लिए एडवांस प्रिपरेशन करना चाहता है मैं उसके लिए भी एक गाइडेंस दे दूं, ठीक है? अब पहली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज स्किप मत करना वरना आपकी क्वेरीज कभी सॉल्व ही नहीं होगी और आपके लेक्चर्स कभी अपडेट ही नहीं हो पाएंगे, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट वेरी वेल। सबसे पहले नवंबर 20 के लिए जो अमेंडमेंट का कट ऑफ डेट होता है बच्चों, कट ऑफ डेट मतलब कि कौन से दिन तक के अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल होंगे, उस दिन को हम कहते हैं कट ऑफ डेट, नवंबर 20 के लिए कट ऑफ डेट, हर एग्जाम का एक कट ऑफ डेट होता है। तो नवंबर 20 का जो कट ऑफ डेट होता है वो होता है बच्चों 30 अप्रैल, कौन सा होता है बच्चों 30 अप्रैल, यह नवंबर 20 के लिए कट ऑफ डेट है, दिस इज फॉर नवंबर 20। फिर हम अगर बात करें मई 21 की, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, फिर अगर हम बात करें मई 21 की, तो मई 21 का कट ऑफ डेट होता है 31st ऑफ अक्टूबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है? मतलब 31st अक्टूबर 2020 विल बी कट ऑफ डेट ऑफ अमेंडमेंट्स फॉर मई 20 एग्जाम। और फिर आप गेस कर सकते हो नवंबर 21 के लिए, तो नवंबर 20 के लिए ऑब्वियसली 21 के लिए हमारा कट ऑफ डेट आएगा 30th ऑफ अप्रैल, ये हमारा कट ऑफ डेट रहेगा नवंबर 21 एग्जाम के लिए। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब इसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के अमेंडमेंट्स आते हैं बच्चों, दो टाइप के डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स यहां पे आते हैं। पहला, 30th अप्रैल को या 30th अप्रैल के पहले जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, या हमारे दूसरे अथॉरिटी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, सो अथॉरिटीज ने 30 अप्रैल तक के जो जो भी अमेंडमेंट दिए हैं वो सभी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है आपके नवंबर 20 के लिए। जो भी अथॉरिटी अमेंडमेंट बोले हैं वो नवंबर 20 के लिए आपके एप्लीकेबल है, दैट इज फाइनल, ये होगा ही और ये होना ही चाहिए।
पर ये स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल होते हैं क्या? नहीं. इन अमेंडमेंट्स में से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सिलेबस के हिसाब से अमेंडमेंट फिल्टर करता है. जैसे सर्फेसिया एक्ट में आपको पूरा एक्ट अप्लीकेबल नहीं, आपको सिर्फ सेक्शन 20 तक अप्लीकेबल है. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आपको पूरा एक्ट अप्लीकेबल नहीं, आपको सिर्फ सेक्शन 60 तक अप्लीकेबल है. तो कौन सा एरिया आईसीआई सिलेक्ट करता है इसके ऊपर आपके अमेंडमेंट डिस्कस होते हैं. अब आईसीआई ने एरिया सिलेक्ट करने के बाद, अब देखो मेरे पास तो अमेंडमेंट 30 अप्रैल को रेडी हो जाएंगे नवंबर 20 के लिए, मेरे पास मई 21 के लिए 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स रेडी हो जाएंगे. सभी डेट आ गए मेरे पास तो अमेंडमेंट है. पर अगर मैंने सब अमेंडमेंट सिखा दिए, इसे दो चीजें होगी, एक तो टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आईसीआई जो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं करता उसके आंसर आप अमेंडेड लिख के आओगे जिसके ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिल सकते शायद, क्योंकि आईसीआई एक मॉडल आंसर में तो है ही नहीं. सो मुझे रुकना पड़ता है, मैं बंधा हुआ हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे रुकना पड़ेगा, मैं बंधा हुआ हूं. आईसीआई अमेंडमेंट सेलेक्ट करता है और इन अमेंडमेंट्स को आईसीआई डिक्लेयर करता है आरटीपी में, रिविजन टेस्ट पेपर या सप्लीमेंट्री में. जो रिविजन टेस्ट पेपर आईसीएआई में एग्जाम के लिए, नवंबर एग्जाम के लिए, नवंबर 20 एग्जाम के लिए आईसीआई इसको नॉर्मली अगर हम मैक्सिमम देंगे तो अगस्त में रिलीज करेगा. कब रिलीज करेगा? अगस्त में. अब अगस्त में अमेंडमेंट आएंगे, फिर मैं उसका एनालिसिस करूंगा, उसके ऊपर नोट्स बनाऊंगा, उसके ऊपर चार्ट्स बनाऊंगा और फिर मैं आपको दूंगा. और मुझे भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कंसेप्ट आप सुन रहे होते हो. दैट्स व्हाई एक डेट नवंबर एग्जाम की आपने कतई तहे दिल से गांठ बांध के जिंदगी में याद रखना, 10 सितंबर, 10 सितंबर. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने याद रखना. और मई 21 एग्जाम के लिए, अब मई 21 के लिए आप खुद भी ये कर सकते हो या फिर मैं ऐसा करके दिखा दे सकता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाँ 10 सितंबर, ये डेट याद रखना. इसके दबक क्या होगा मैं बताऊंगा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब अमेंडमेंट बोलते हैं. पर आईसीएआई अमेंडमेंट को सिलेक्ट करेगा, डिक्लेयर करेगा आरटीपी के अंदर, रिविजन टेस्ट पेपर के अंदर. जो रिविजन टेस्ट पेपर ये नॉर्मली रिलीज होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एट मैक्स, तो इसकी डेट आपने याद रखना 10 मार्च. 10 सितंबर, 10 मार्च साल के वो दिन है, वो दो दिन है जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट डेज. इसको हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट डेज. जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या जो मुझसे पढ़ रहे हैं इनको हम कहते हैं बच्चों अमेंडमेंट डेज. ये अमेंडमेंट डेज फिक्स है 10 सितंबर, 10 मार्च. आप पिछले किसी भी सीनियर से पूछोगे तो आपको 10 सितंबर और 10 मार्च ही बोलेगा. तो हो सकता है कि इस 10 सितंबर और 10 मार्च, अब अगर मैंने 10 सितंबर 10 मार्च के पहले लेक्चर दे दिए और आईसीआई की आरटीपी रिलीज नहीं हुई है तो आप सोचो कितने करेक्शन हमको करने पड़ेंगे. सो ये, और वैसे भी मैं लेट नहीं दे रहा हूं, वेल बिफोर 50 डेज मैं आपको अमेंडमेंट्स दे रहा हूं. क्लियर है? 10 सितंबर 10 मार्च यूट्यूब पे लेक्चर आएंगे. यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अभी इसी वक्त. दर्शन खरेज लॉजिक्स करके चैनल है, 95,000 से ऊपर सब्सक्राइबर पहुंच गए होंगे ऑलरेडी, 1 लाख के आसपास हम जा रहे हैं. उसके ऊपर वन डे रिविजन्स, उसके ऊपर अमेंडमेंट लेक्चर्स, हेल्पिंग लेक्चर, डिटॉक्सिफिकेशन लेक्चर, हर लेक्चर वहां पर आता है. आप वहां देखना, काफी काम का चैनल है और एडवर्टीजमेंट सबसे कम वहां होती है, मतलब हमारी कम होती है, गूगल वाले यूट्यूब वाले जो करते हैं वो उनके प्रॉब्लम है. तो ये चीज को आपने याद रखना, 10 सितंबर 10 मार्च. ऐसे कभी भी कोई आए, तूने ऐसा होता है बच्चों में, होता है कुछ होते हैं ऐसे नालायक बच्चे जो खुद तो पढ़ते नहीं है दूसरों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं तूने सुना वो अमेंडमेंट आ, कितना बड़ा अमेंडमेंट है, कितना शानदार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टेप नंबर 1 प्रेशर लेने का नहीं, स्टेप नंबर 2 दिल पे हाथ रखने का, अन बोलने का 10 सितंबर 10 मार्च. रखो दिल पे हाथ, सज्जन दिल पे हाथ रखो, एवरीबॉडी, भले ही तुम पेन ड्राइव में हो या वर्चुअल में हो, दिल पे हाथ रखो, तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम. हां दिल पे हाथ रखो, अटेम्प्ट की कसम, दिल पे हाथ रखो, बोलो 10 सितंबर 10 मार्च, बोलो सज्जन 10 सितंबर 10, शानदार तूफान, फिर बोलो 10 सितंबर 10 मार्च, 10 सितंबर 10, बहुत ही बढ़िया. तो उसने अगर कुछ भी बोला दिल पे हाथ रखना 10 सितंबर 10 मार्च. अब अगर उसकी लेनी है, ठीक है, प्रॉब्लम है उसकी लेनी है कि वो फ्रस्ट्रेट करने आ गए जिंदगी में, परेशान करने आया, तो उसको बोल नोटिफिकेशन नंबर बता, अमेंडमेंट का डेट बता, ठीक है, और अमेंडमेंट का बेयर टेक्स्ट कॉपी दे दे. ये तीन चीजें पूछना, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर, अमेंडमेंट डेट, बेयर टेक्स्ट का कॉपी. वो समझ जाएगा कि तुम सीरियस वाले आदमी हो, तुमसे मजाक नहीं किया जा सकता. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना, 10 सितंबर 10 मार्च, नोटिफिकेशन नंबर, अमेंडमेंट का डेट, बेयर टेक्स्ट का कॉपी, ये तीन चीजें बता फिर हम मानेंगे.
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। तो ये अमेंडमेंट आपको इसी दिन प्रोवाइड की जाएगी, इसके पहले भी नहीं, इसके बाद में भी नहीं। सर कितने अमेंडमेंट्स है, सर कितने बड़े हैं, मैं कितने लेक्चर रखूं, सर कैसे रखूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब तक आरटीपी रिलीज नहीं होती मेरे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी रिलीज होगा 10 सितंबर 10 मार्च को ही होगा। आप टेंटेटिवली 5 से 10 लेक्चर का क्वेश्चन लेके बैठना, कम हुआ तो आपका एडवांटेज है, ज्यादा हुआ तो भी करना है, ऑप्शन क्या है? ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 10 लेक्चर अगर अमेंडमेंट के, हो सकता है पूरा सिलेबस अमेंडेड हो, कहां हो सकता है कंपनीज एक्ट 2013 गया, नया ही पूरा कंपनीज एक्ट आया। अगर पूरा भी कंपनीज एक्ट चेंज हुआ ना तो भी वो यूट्यूब पे रहेगा। दैट इज माय प्रॉमिस, 10 सितंबर और 10 मार्च को आपको लेक्चर मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इसके ऊपर कोई भी आप क्वेरी पूछोगे 10 सितंबर 10 मार्च के पहले एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब बच्चे पूछते हैं सर ये अमेंडमेंट है इसका क्या करूं, फिर मैं आंसर देता हूं, फिर बच्चा और कंफ्यूज होता है, सर ये क्या बोल दिया, फिर बच्चे को समझ में नहीं आता है। इससे अच्छा चिल मारो, रिलैक्स रहो, जिंदगी में मैं हूं और मैं रहूंगा, ठीक। सो रिलैक्स मारो और बिंदास 10 सितंबर 10 मार्च को लेक्चर देखना, कितने क्या कुछ भी उसके पहले नहीं पूछना, ठीक है। अगर आप ऐसे सवाल पूछोगे प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसके ऊपर रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में ही मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। इट इज टू रिड्यूस योर हैवॉक एंड अवर टाइम वेस्ट, अवर टाइम वेस्ट एंड योर हैवॉक, ये चीज को याद रखना। क्लियर कंसेप्ट सबको? हाँ ना। रही बात तो नवंबर 21 के लिए क्या होगा सर, नवंबर 21 के लिए अमेंडमेंट लेक्चर ऑब्वियसली 10 सितंबर 21 को आएगा, ये चीज को आपको याद रखना है। पर 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 एक और चीज इस बार हुई थी, इंस्टीट्यूट सिर्फ आरटीपी में अमेंडमेंट नहीं देता है, आईसीआई दो टाइप से अमेंडमेंट देता है। आईसीआई पागल है ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आईसीआई नहीं है, क्योंकि मैं तो मेंबर हूं। सो आईसीआई दो टाइप से अमेंडमेंट दे सकता है, क्लियर है। अमेंडमेंट नंबर वन, अमेंडमेंट नंबर वन जो हम मैंने ऊपर बोली, जो है डिपार्टमेंट के अमेंडमेंट्स, जो मैंने ऊपर बोली अभी हमने जो डिस्कस किया वो आईसीआई का अमेंडमेंट नंबर वन है, डिपार्टमेंट अमेंडमेंट्स, लॉ के अमेंडमेंट। लेकिन इतने आसानी से तो आपका होगा नहीं ना, आप सीए में आए हो, आ बैल मुझे मार, आ बैल क्या मुझे मार, आ झुंड मुझे मार आपने किया है। तो ये चीज को याद रखना, आईसीआई हर बार मॉड्यूल अपडेट करता है, क्या करता है, मॉड्यूल अपडेट। और मॉड्यूल अपडेट में ओल्ड मॉड्यूल और न्यू मॉड्यूल में वो डिफरेंस देता है। इस बैच के अंदर हम पूरा मॉड्यूल क्लास के अंदर चेक करने वाले हैं, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद मैं हजार बार बोलता हूं मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं, फिर भी बच्चे मॉड्यूल देखते हैं, मेरे को क्वेरीज पूछते हैं। तो इस बार मैंने डिसाइड किया हम मॉड्यूल भी क्लास के अंदर ही देख लेंगे, दिमाग को टेंशन ही नको जिंदगी में, ठीक है। सो मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर, अगर आपके मॉड्यूल में कोई डिफरेंसिएशन होता है, आईसीआई कई बार मॉड्यूल के अंदर गलतियां करता है, बाद में उन गलतियों को चेंज करता है, मुझे तो मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाना है क्योंकि मार्क्स आपको आईसीआई देगा, तो एक और लेक्चर आ सकता है मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर। ये हर बार ही आएगा कि जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है। देर आर चांसेस दैट दिस लेक्चर विल बी देर, चांसेस नॉट कंपलसरी। अगर ये लेक्चर होगा तो ये 10 सितंबर 10 मार्च को YouTube पे डिक्लेयर होगा, या अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर मैं ये मेंशन करूंगा कि इस बार कोई मॉड्यूल अपडेशन नहीं है, इंस्टीट्यूट ने कोई मॉड्यूल चेंज नहीं किया है। तो ये चीज को आपने याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब सवाल उठता है, सर मैं मे 21 के अमेंडमेंट्स कर रहा हूं, मैं मई 21 का एग्जाम दे रहा हूं, तो मैंने कितने, अच्छा मैंने कितने अमेंडमेंट करने चाहिए? अब जरा बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि दिस इज अबाउट किस हद तक आपके बुक्स अपडेटेड है। आई विल टेल यू, कंपनीज एक्ट के मतलब 70 मार्क के जो आपके अमेंडमेंट है, 70 मार्क्स के, वो ऑलरेडी ऑलरेडी इस बैच के अंदर, दिस बैच के अंदर हम कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने अमेंडमेंट लेक्चर इसलिए देखना है कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए। कई बार ऐसे छोटे मोटे सर्कुलर्स होते हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आईसीआई को लगता है तो ले लेते। तो 70 मार्क्स के जो अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट के, वो हमने कवर किया है। 30 मार्क्स के जो अमेंडमेंट है इकोनॉमिक लॉ के, 30 मार्क्स के जो इकोनॉमिक लॉ के अमेंडमेंट है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक कवर किए हैं, कुछ जानबूझ के रखे हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि आईसीआई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वो अमेंडमेंट्स मैं यहां पे नहीं दे पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि अगर मैंने उनको पढ़ा दिया और आईसीआई ने उन अमेंडमेंट्स को नहीं लिया, तो मुझे अमेंडमेंट्स जो पढ़ाए वो रिवर्स करने पड़ेंगे, जो आपके लिए काफी लॉस मेकिंग चीज है, काफी लॉस मेकिंग चीज है। सो ये चीज को आज याद रखना, क्लियर है सर। सो 70 मार्क्स कंपनीज एक्ट टोटली 30 अप्रैल तक का जितना भी अमेंडमेंट है वो सब मैं आपको दे दूंगा, क्लियर है। लेकिन जो 30 मार्क का अमेंडमेंट है उसमें सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमने कवर किए हैं और वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। अगले आरटीपी जब रिलीज होगी तो आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखना ही है, क्लियर है। तो ये याद रखना। सो अगर सर मैं मई 21 वाला एग्जाम दे रहा हूं तो मैंने कितने अमेंडमेंट लेक्चर देखने हैं? बेटा आपने 10 सितंबर का भी अमेंडमेंट लेक्चर देखना है, आपने 10 मार्च का भी अमेंडमेंट लेक्चर देखना है। सो इधर मैं एक छोटा सा टेबल आपके लिए बनाना चाहूंगा जिन बच्चों को कंफ्यूजन है। सर अगर मैं नवंबर 20 का एग्जाम दे रहा हूं, नवंबर 20 का एग्जाम, तो मैंने कौन कौन से लेक्चर देखने हैं? So, मैंने कौन सा अमेंडमेंट लेक्चर देखना है, कौन सा अमेंडमेंट लेक्चर देखना है? तो आई विल से कि 10 सितंबर
का जो अमेंडमेंट लेक्चर है 2020 का, ये आपने देखना है, पर चांसेस है कि इसमें से 90% अमेंडमेंट आपके ऑलरेडी कवर्ड होंगे, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी 30 अप्रैल तक कवर कर रहे हैं, पर इसको भी मैं देखने के लिए इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि कहीं कुछ छोटा सा भी अमेंडमेंट छूट ना जाए। कई सर्कुलर्स नोटिफिकेशन, कई रूल्स के अमेंडमेंट्स आते हैं बीच बीच में जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं, पर आईसीएआई दे देता है, और उनको डायरेक्टली भी नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि अगर वो आपको आईसीएआई ने एप्लीकेबल नहीं किया तो आपके मार्क्स कटेंगे, दैट्स व्हाई। और साथ में मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर, मॉड्यूल अपडेट लेक्चर, तो आपको ये बोल दूं इफ एनी, अगर मैं मॉड्यूल अपडेट लेक्चर देता हूं इफ एनी, तो आपने उसको पढ़ना है। इफ एनी लेक्चर इज देयर यू शुड रीड इट, ठीक है। उसके साथ में मॉड्यूल अपडेट के नोट्स भी आपको मिलेंगे। सर मेरा एग्जाम May 21 है, सर मेरा एग्जाम May 21 है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, अच्छा टेबल बना रहा हूं। सर मेरा एग्जाम May 21 है, मैं कौन कौन से अमेंडमेंट लेक्चर देखूं? बेटा 10 सितंबर 2020 का, ठीक है, अमेंडमेंट लेक्चर आपने देखना ही है, और 10 मार्च 2021 का अमेंडमेंट लेक्चर आपने देखना है। ये दोनों अमेंडमेंट लेक्चर्स आपको देखने ही पड़ेंगे। हालांकि 10 सितंबर 2020 के जो अमेंडमेंट है वो 90% ऑलरेडी कवर्ड रहेंगे, ऑलरेडी कवर्ड रहेंगे, इक्का दुक्का अमेंडमेंट है जो आपको देखना पड़ेगा। एनीवेज अमेंडमेंट के लिए स्पेसिफिक समय रखना, क्योंकि अमेंडमेंट के ऊपर 10-20 मार्क पूछा जाता है, तो अगर ये रिपीट भी हुआ तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, उल्टी अच्छी बात है। कंसेप्ट समझ में आए? मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर कोई देखना है सर? इफ एनी, अगर मैं रिलीज करता हूं तो ये आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूट जब मॉड्यूल चेंज करेगा तभी आएगा, तो इन्होंने ये देखना है। अब जो नवंबर 20 के लिए अभी लेक्चर्स ले रहे हैं ना, मैं उसको बोलता हूं ऑन टाइम स्टडी, इसे मैं कहता हूं ऑन टाइम स्टडी, क्योंकि आप एकदम 6 महीने पहले ये लेक्चर्स अवेल कर रहे हो, तो दिस इज अ वेरी ऑन टाइम स्टडी। हालांकि डीटी आईडीटी लॉ एंड में ही करनी चाहिए, बट दिस इज वेरी ऑन टाइम स्टडी। May 21 के लिए अभी जो लेक्चर ले रहे हैं, ये वाला रिकॉर्डिंग जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वाला रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, इसे मैं कहता हूं प्रॉपर स्टडीज। हो सकता है आपको दो अमेंडमेंट लेक्चर देखने पड़े, दो अमेंडमेंट लेक्चर्स की सीरीज आपको देखनी पड़े, पर मैं इसको प्रॉपर स्टडीज बोलता हूं, क्योंकि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली क्लियर होंगे, क्वेश्चनर वगैरह बहुत अच्छे से डिस्कस किया रहेगा, हो सकता है आपने कुछ ज्यादा रिविजन कर ली होगी, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द पर्पज ऑफ वॉचिंग द लेक्चर। और एक लास्ट टाइप की स्टडी कहते हैं, मैं उसे कहता हूं एडवांस स्टडी। एडवांस स्टडी, जो बच्चे नवंबर 21 के लिए, ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वीडियो में ये रिकॉर्डिंग अगर आप नवंबर 21 के लिए ले रहे हो, तो इसे मैं एडवांस स्टडी कहता हूं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। बच्चों को लगता है सॉरी इतने सारे अमेंडमेंट, कुछ करना नहीं है, आपको 3 अमेंडमेंट लेक्चर देखने हैं, 3 अमेंडमेंट सीरीज देखने हैं, 10 सितंबर 2020 इसके तो 90% अमेंडमेंट्स इसी रिकॉर्डिंग में कवर्ड है ऑलरेडी, 10 मार्च 2021 ये तो मैं अभी नहीं बोल सकता ना बच्चों, बिकॉज 31 अक्टूबर 2020 तक के अमेंडमेंट इसके लिए एप्लीकेबल है। सो 2021 को जो लेक्चर आएगा वो आपको देखना है, और अगेन 10 सितंबर 2021 के लिए जो लेक्चर आएगा वो भी आपको देखना है। ये 100% आपको तभी मिलेंगे, 100% न्यू रहेंगे, ये ऊपर वाला 90% कवर्ड रहेगा। सर मॉड्यूल अपडेशन, इफ देयर इज एनी, If any lecture is there, you should watch it. Module updation हमेशा optional रहेगा, क्योंकि module update होने पे ही ये lecture आएगा। ये इस तरीके से advanced studies आप कर सकते हो। साथ में जो advanced studies कर रहे हैं November 21 के लिए, उनको एक और चीज करनी पड़ेगी, एक और चीज करनी पड़ेगी, जरूरी है, क्योंकि अगर अमेंडमेंट बहुत ज्यादा है तो इट बिकम्स नेसेसरी। नियरली आपको 1 साल हो चुका होगा प्रिपरेशन के लिए, तो आप 2 ऑप्शन ले सकते हो। नियरली आपके एग्जाम के 4 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले, 3 or 4 months बिफोर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको एक तो बुक्स चेंज करने पड़ेंगे, न्यू बुक्स आपको लेने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए सभी बुक्स एट द कॉस्ट अवेलेबल रहता है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग कॉस्ट मुझे आता है उसी कॉस्ट के ऊपर आपके लिए बुक अवेलेबल रहेगा, अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो। सो न्यू बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, बेसिकली पब्लिकेशन वाले बुक भी हम रिलीज कर रहे हैं, तो पब्लिकेशन की बुक आपने लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी वाली बुक है, और वैसे भी आपने मुझसे पढ़ा है तो उसके अंदर आपको मेरा सेंटीमेंट ऑटोमेटिक मिलेगा और कुछ ब्लैंक नहीं रहेगा। क्लास बुक के अंदर काफी सारी चीजें ब्लैंक रहती है, पब्लिकेशन बुक में ब्लैंक नहीं रहेगा, तो आपने पब्लिकेशन बुक लेनी है। या तो फिर आप एक और काम कर सकते हो, बूस्टर रिविजन कोर्स ले लो। बूस्टर रिविजन कोर्स से क्या होगा, अमेंडमेंट के अमेंडमेंट पता चल जाएंगे, 15-20 दिन का एक कोर्स होता है, अमेंडमेंट के अमेंडमेंट पता चल जाएंगे, साथ में रिविजन का रिविजन हो जाएगा, तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा बूस्टर रिविजन कोर्स में। हालांकि इसमें अंदर से बूस्टर बुक और हम क्वेश्चनेयर देते हैं, पर ये भी आपके अमेंडमेंट के लिए काफी है। नवंबर 21 वालों के ये कंपलसरी है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आप एडवांस स्टडी, पर ऑब्वियस सी बात है अगर आप ये सब करते हो तो आई विल एश्योर यू कि लॉ आपका बेस्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर रहेगा, बेस्ट टू द बेस्ट, दैट इज ऑफकोर्स अ प्रॉमिस। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। तो मैंने अमेंडमेंट आई गेस काफी अच्छे से डिस्कस किया है। एक सिंपल रूल याद रखना, कोई भी बुक 1 साल के ऊपर लॉ की डीटी की या आईडीटी की यूज नहीं करना,
कोई भी बुक, ये आपके भले के लिए, ये हमें पैसे कमाने के लिए, हम तो कॉस्ट पे दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से क्या प्रॉफिट लेंगे बेटा, सो हम ये बुक्स कॉस्ट पे देंगे, ठीक है। कोई भी बुक एक साल के बाद में आपने यूज नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि अमेंडमेंट इतने आते हैं, आप कितने जगह में, अगर हर इसमें 10 अमेंडमेंट में मिनिमम बोलू, ठीक है, और आप 3 अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हो, नवंबर 20 के लिए 3 अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हो, 30 अमेंडमेंट, 30 जगह पे आप चेंजेस करोगे, कोई एक भी मिस हो गया तो प्रैक्टिकली यू शुड टेक अ न्यू बुक, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ये चीज आपको बड़े काम में आएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। सो एक साल के बाद में प्रैक्टिकली यू शुड टेक अ न्यू बुक। हाँ, न्यू बुक लेने के बाद भी देर आर चांसेस कि आपको लास्ट 10 सितंबर वाला अमेंडमेंट लेक्चर देखना पड़ेगा, चांसेस है, क्योंकि अगर न्यू बुक लॉन्च हुई है, प्रिंटिंग हो गया है और अभी तक आरटीपी रिलीज नहीं हुआ तो हो सकता है, पर वो एक ही रहेगा, फिर आपको इतना टेंशन नहीं, फिर एक अमेंडमेंट लेक्चर यू कैन मैनेज विद दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये तहे दिल से रिक्वेस्ट है आपके बेटरमेंट के लिए, मेरा इसमें कोई, आपने ऑलरेडी ये कोर्स परचेज कर लिया है तो मेरा और क्या प्रॉफिट सेंटर रहेगा, सो दिस इज फॉर योर बेटरमेंट कि आप इसको सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि इस चीज का फोटो खींच के रखिए, इसको लिख के रखिए कि अमेंडमेंट कैसे आते हैं, ठीक है। और इसको आप कहाँ लिखोगे, जो स्टार्टिंग में आपने ब्लैंक पेजेस छोड़े ना, मैंने 30 पेजेस बोले थे, 15 लीव्स, उसमें से पहला लीव, सबसे पहला पेज, उसके ऊपर आप ये चीज को लिखोगे, गो फॉर इट फास्ट, मतलब पता रहेगा कि अमेंडमेंट कैसे आते हैं, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबडी। नाउ आपके जो अटेम्प्ट है या फिर सभी अटेम्प्ट का लिख के रखिए, ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इसी अटेम्प्ट में अपने को पास होना है, पहले ही अटेम्प्ट में, बट लिख के रखिए अगर आपको किसी और को सजेस्ट करना है तो, कि जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके वापस लिख सकता है बेटा, क्योंकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है फिलहाल कि कितना समय लिखने में लगेगा। चलो डन एवरीबॉडी। ओके लेट्स गो। किसी का बाकी है तो प्लीज पॉज कीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि कोई चीज मिस आउट नहीं होनी चाहिए लिखते वक्त, एटलीस्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सो लेट्स गो टू बैक टू अवर पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो अमेंडमेंट वाला सवाल हमारा चल रहा है, तो कुछ रूल्स अपडेट और अमेंडमेंट अभी हमने देखे, तो कुछ रूल्स आपने याद रखना अगर आपको अमेंडेड और अपडेटेड बुक्स रखने हैं तो। वॉच एवरी सिंगल वीडियो ऑन यूट्यूब फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिकॉर्डिंग टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम। सो ये रिकॉर्डिंग है बेटा मई जून 2020 वाला रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मई जून 2020 के बाद, जून 2020 के बाद जो भी चीज मैं YouTube के ऊपर डालूंगा ये जरूर देखना है। इसके अंदर एडवर्टीजमेंट्स काफी कम रहते हैं, मैक्सिमम आप मेरे YouTube के वीडियोस चेक कर सकते हो जिसमें एडवर्टीजमेंट्स वाले वीडियो काफी कम रहते हैं। ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि इस दिन मेरी ये बैच शुरू हो रही है प्लीज आ जाइए और ज्वाइन कीजिए। एक तो इंट्रोडक्शन लेक्चर, नहीं तो डेमो लेक्चर्स, नहीं तो अमेंडमेंट या क्लैरिफिकेशन लेक्चर्स रहेंगे, तो यू शुड वॉच इट ऑन यूट्यूब। चैनल का नाम है दर्शन खरेज लॉजिक्स। दूसरा, If you do it, then you will be automatically updated, your studies will be go smoothly. अगर आप ये करते हो, आप हर वीडियो देखते हो YouTube का, तो आपकी स्टडी ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगी। चेंज योर बुक्स इन एवरी वन ईयर एंड परचेज द न्यू बुक्स फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। द पब्लिकेशन बुक्स आर अवेलेबल एट द डिस्काउंट। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट पर एट द कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। जो नए स्टूडेंट होते हैं हम उन्हीं को सिर्फ प्राइस चार्ज करते हैं। विजिट vsmartacademy.com दर्शन सर एवरी वीक। ये जगह को आपने हर वीक में विजिट करना है कि कहीं आपका कोई वीडियो एक आधा मिस हो जाए तो वो इस स्लैश दर्शन सर पर आपको हमेशा मिलेगा। स्लैश दर्शन सर इसलिए देखना, मैंने मेरा जो बैकग्राउंड है डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये भी मैंने स्लैश दर्शन सर ही बना के रखा हुआ है आप देखोगे तो, इसलिए स्लैश दर्शन सर vsmartacademy.com हर वीक में एक बार विजिट करना। आपके अटेम्प्ट के लिए कोई अपडेट, कोई पीडीएफ, कोई वीडियो आया है क्या, ये आपने वहां पे चेक करना है जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। तो ये चार रूल्स आपने याद रखने हैं, चार भी नहीं तीन रूल्स है। वॉच एवरी वीडियो ऑन यूट्यूब, एक साल में बुक चेंज करो और vsmartacademy.com/दर्शन सर के ऊपर विजिट करो। ये तीन चीजें आप लिख के रखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर वन, वही अमेंडमेंट के नीचे जहां आपने बाकी सब लिखा वहां लिखना पॉइंट नंबर वन, वॉच एवरी वीडियो ऑन यूट्यूब। अच्छा, ये सब इतने सारे इंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपकी स्टडी स्मूथ हो पाए, कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो एंड टाइम पे अगर लास्ट दो तीन महीने में पैनिक हो गए तो पैनिक सब बच्चे मेरे ऊपर निकालते हैं फिर एंड में, सर सॉरी 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 बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इट्स सो सिंपल। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, वॉच एवरी वीडियो इन यूट्यूब।
from recorded lectures, month of recorded lectures till your exam, till your exam. Notification bell आपने इसके लिए press करके रखना चाहिए till your exam. Point number two, replace your books in every 1 year, available at the cost. Last, visit vsmartacademy.com/darshan sir. Visit vsmartacademy.com/darshan sir every week. हो नहीं, जरूरी नहीं है कि हर वीक में कुछ ना कुछ इसके लिए नया रहेगा, ये जरूरी नहीं है, पर हो तो मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो इट्स वीक में एक बार अगर आप ये विजिट भी करते हो तो आपका काम हो जाएगा. जिन जिन को ये चाहिए कि सर कहां आपका यूट्यूब चैनल वगैरह के डिटेल्स, तो दर्शन करेज लॉजिक्स करके मेरा चैनल है, 1,00,000 सब्सक्राइबर के आसपास सब हो जाएंगे. vsmartacademy.com करके भी हमारा एक चैनल है, उसके ऊपर भी आप रहिए, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए. विशाल सर के सभी अपडेट्स आपको वहां पे मिलेंगे, बेसिकली मेरे भी अपडेट्स वहां मिलेंगे, मेरे दोनों चैनल पे नॉर्मली आते हैं. ठीक है, दर्शन करेज लॉजिक्स ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैं इसका लिंक किसी को नहीं दे पाऊंगा, हमारे यूट्यूब के हर वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हो. वहां ऑलरेडी 32,000-33,000 लोग ऑलरेडी है, और वो ग्रुप के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ मैं पोस्ट करता हूं. हां, वहां पे थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट मैं पोस्ट करता हूं रिगार्डिंग बैच, जो नई बैचेस है या कोई नई कोर्स रिलीज हो रहा है या कोई नया क्वेश्चन है, कुछ भी रिलीज हो रहा है तो मैं वहां डालता हूं. तो आपने ये दो जगह पर रहना चाहिए, और vsmartacademy.com/darshan सर ये आपका वन स्पॉट आंसरेबल एरिया है. ठीक है, पर कहीं कुछ मिस ना हो जाए, अगर आप तीनों जगह पर रहोगे तो कुछ भी मिस होने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो ये चीज को बहुत अच्छे से तहे दिल से प्लीज याद रखना. कंसेप्ट समझ में आ रहा हो सबका? हाँ ना, जोर से बोलो सर. ना क्लियर है? चलो, अब ये चीज होने के बाद में मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी किस तरह सर, इंस्ट्रक्शन ही चल रहे हैं नियरली 1.5 घंटा होते आया, कितने इंस्ट्रक्शन दोगे? अगर ये नहीं दिए ना तो बाद में आप ही वो क्रिएट करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी क्वेरी कहां पे पोस्ट करूं, कब क्या देखूं, फिर आप मेरे पास आओगे रोते रोते, फिर मेरे को बोलोगे सर क्या कर दिया, फिर बोलोगे सॉरी, देख लो सब देख लो. 1.5 घंटा जाएगा, पर अब इतने स्मूथली लेक्चर्स चलेंगे जिसका कोई डाउट नहीं रहेगा. ठीक है, बस सबसे पहली चीज, कोई भी क्वेरी याद रखना, कोई भी क्वेरी मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे एंटरटेन नहीं करता. कोई क्वेरी ना फेसबुक पे आएगी, ना इंस्टाग्राम पे आएगी, ना टेलीग्राम पे आएगी. अगर आप ये पोस्ट करते हो तो इस क्वेरी के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे. सिर्फ कोर्स के लिए जो क्वेरी आती है, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है. सो सिर्फ अगर कोर्स की क्वेरी है कि सर ये कोर्स लू या ये कोर्स लू, सिर्फ वो क्वेरीज वहां पर एंटरटेन होगी. क्लियर? कंसेप्चुअल क्वेरी हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजना. सर मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है सर, क्या करूं जिंदगी में? कोई रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा, क्वेरीज जमा करो, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप से. सिर्फ व्हाट्सएप ही क्यों? सबसे पहले रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी क्वेरी रहती है उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. मतलब नियरली पिछले 1 साल में जिन बच्चों ने मुझे क्वेरी पेची हुई, उन सबका मेरे पास रिकॉर्ड है. इससे मेरे को यह समझ में आता है कि ये बच्चों को किस तरीके से क्वेरी आंसर करना चाहिए, विच इज बेटर फॉर यू. क्योंकि मैं बोलू व्हाट्सएप पे, मैं आपके सामने हूं नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा और आपको समझ में आए तो तकलीफ है. तो एक बार मैं ऑडियो भेजता हूं, टेस्ट करता हूं, अच्छा इसके पहले इसको ऐसा आंसर दिया था क्या, इस बार ये करके देखते हैं. सो ये रिकॉर्ड रहता है, तो व्हाट्सएप की क्वेरी हमेशा रिकॉर्ड रहेगा. व्हाट्सएप से आप मेरे को फोटो वगैरह भेज सकते हो, फोन कॉल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. मैं फोन कॉल उठाता ही नहीं हूं, मैं फ्रेंकली आपको फर्स्ट डे ऑन द फर्स्ट लेक्चर बोल रहा हूं, फोन कॉल उठा नहीं सकते. 8-10 घंटे में पढ़ाता हूं, 10 घंटे के बाद मैं खुद से बात नहीं करता, कॉल तो बहुत दूर की बात है. मेरे घर वालों से मैं दिन में 10 या 15 डायलॉग बात करता हूंगा. क्लियर है? तो कॉल तो बहुत दूर की बात है, कॉल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. मैं अपफ्रंट सबको बोल रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग मुझे कॉल करेंगे, मैं नहीं उठा पाऊंगा. आई एम वेरी सॉरी. ठीक है, सो क्वेरी व्हाट्सएप पे भेजिए, इसका एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहेगा, जिससे आपका आंसर, आपको मैंने क्या दिया, इसके पहले आपने क्या क्वेरी पूछा, इट्स बेटर. साथ में मैं आपको इसका ऑडियो भेज सकता हूं, ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, ऑडियो भेज सकता हूं. मुझे कोई वीडियो आपको भेजना है, लिंक भेजना है, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा. और आपको भी अगर कोई वो क्वेरी बाद में उसका आंसर मिस हो जाता है, तो व्हाट्सएप पे चेक करने के लिए आसान होगा. सो अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ व्हाट्सएप, यूज द व्हाट्सएप ऑफ फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना. क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके आने सर व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर, ये आपको ऑलरेडी मैसेज कर दिया होगा, आपके एक तो ईमेल में होगा, या आप जहां ऑर्डर प्लेस करते हो वहां ये नंबर क्वेरी वाला मेंशन किया रहेगा, वहीं पे आप ये क्वेरी पूछ सकते हो, क्वेरी नंबर पे ही. क्लियर है? दूसरा, अगर आपके टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे टेक्निकल प्रॉब्लम और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में डिफरेंस ही नहीं समझते. कंप्यूटर पे लेक्चर चलना, लेक्चर ब्लर होना, साउंड ना आना, लेक्चर बीच में कट जाना, वीडियोज ना दिखना, ये टेक्निकल क्वेरी है. सर लेक्चर का साउंड गायब हो गया, कंसेप्चुअल क्वेरी नंबर है. सर लेक्चर का साउंड गायब हो गया, मैं क्या करूं?
मैं तो भाई मैं सीए हूँ, अपन कोई साउंड आर्टिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो आप इसको ईमेल करो IThelp@vsmartacademy.com के ऊपर, सिर्फ टेक्निकल क्वेरी। जनरल क्वेरी है कोर्स के बारे में कि मेरे नोट्स कहाँ हैं, ये नोट्स मुझे नहीं मिले, ठीक है, शिपमेंट नहीं मिला, तो contact@vsmartacademy.com के ऊपर आप इसको दे सकते हो। क्लियर है? टेक्निकल क्वेरी IThelp@vsmartacademy.com, जनरल क्वेरी contact@vsmartacademy.com। ये चीज का आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है? साथ में आप जो कोर्स परचेस करोगे तो कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ना, तो ही जाके इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए इज फॉर योर बेनिफिट, ठीक है, हर चीज आपके बेनिफिट में आएगी। और मैं आपको सच्चे में बोल रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं पूरे एक्सपीरियंस के साथ, मैं पागल आदमी नहीं हूं कि मैं पहले ही लेक्चर का 1-1.5 घंटा इन चीजों के ऊपर दूं, ठीक है, बट इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपकी स्टडी स्मूथली हो जाए और आप पैनिक क्रिएट ना करो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये चीज को आप समझते हो, मैं जरूरी इसको समझता हूं। सो जितना मेरे को इंस्ट्रक्शन देने थे मैंने दे दिए, ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। फिलहाल अब मैं ये चाहूंगा कि 1-1.5 घंटा हो चुका है, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम हमारे कंटेंट्स के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। व्हाट इज लॉ, आज के लेक्चर, कल का लेक्चर काफी बेसिक होगा, फिर हम अपने शुरू करेंगे हमारे कोर्स के साथ, लेकिन लेक्चर्स मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विल गो विथ आवर बेसिक ब्रेक, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर कंटिन्यू करते हैं।
चलो चलो स्टार्ट करते हैं, कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से। सो अगर आपको अपडेटेड रहना है वीक में एक बार vsmartacademy.com/darshan सर। चल अब मैं हमारे कंटेंट लेक्चर्स के साथ शुरू करना चाहूंगा। मैंने आपको सिलेबस तो डिक्लेयर कर दिया है, नाउ विल स्टार्ट कि जो आज का हमारा कंटेंट है उसके साथ। ठीक है, सो एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लेट्स गो। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं। आज का और कल का लेक्चर काफी बेसिक है, सो वी आर कंसिस्टेंटली गोइंग कंटेंट फॉर दिस वन, सो सॉरी। नॉर्मली अब सब घर का स्टफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पानी पीना वगैरह एक्सेट्रा, सो जस्ट इग्नोर देम क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आज का कंटेंट लेक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली लॉ। आज और कल नियरली हम इतने ही चीजों को डिस्कस करेंगे कि लॉ क्या होता है, कैसे पास होता है, क्या सिचुएशन होता है एक्सेट्रा, क्योंकि आपने सीपीटी में तीन लॉस पढ़े मैंने सुना। हाँ हाँ बताइए बताइए, बोलो पहला बोलो। हाँ वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तीसरा पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो नए स्ट्रीम से उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 भी पढ़ा होगा सीपीटी में, एलएलपी एक्ट 2008 भी पढ़ा होगा, क्लियर है। और उसके फाउंडेशन से जो बिलोंग करते हैं, हालांकि अभी तक फाउंडेशन वाले पहुंचे नहीं होंगे, बट फिर भी इंटरमीडिएट में फिर आपने लॉ पढ़ा, कंपनीज एक्ट के 122 सेक्शन, 148 सेक्शन, फिर जो ओल्ड सिलेबस है उनमें प्रोविडेंट फंड, ग्रेटुटी, बोनस, जो न्यू सिलेबस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर से कॉन्ट्रैक्ट बैक रिटर्न्स, क्लियर है, होता है ना मूवी मम्मी मम्मी रिटर्न्स, ठीक है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न्स, फिर उसके बाद में जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये आपने पढ़ा होगा, कुछ याद है। तो इतने सारे लॉज आपने जिंदगी में पढ़ लिए, मेरा एक ही सवाल है और बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, What is law and why it is required? सोचो सोचो, सोचना बहुत जरूरी है, हम लॉजिकली जा रहे। देखो एक चीज को याद रखना, लॉ बनाया है इंसान ने तो किसी लॉजिक के ऊपर डिपेंडिंग बनाया होगा। लॉजिक ट्रिगर करो लॉ अपने आप निकलेगा, लॉजिक ही ट्रिगर नहीं कर पाओगे लॉ नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला सवाल, जैसे मेरा ही सवाल है ऐसा समझ लो, मेरे दिमाग से बाहर आ रहा है, सॉरी, हाँ मेरा सवाल कि what is law? ठीक है, so tell me what is law and why it is required? Anyone? अब जैसे आंसर आप खुद को दे सकते हो, जरूर आपके आंसर ही होंगे, सर लॉ मतलब सर रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर लॉ मतलब प्रोसीजर टू बी फॉलोड, सर लॉ मतलब सर वो जो पार्लियामेंट में पास करते हैं, सर लॉ मतलब सर लॉ, सर सर लॉ मतलब सर ला 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 ला। सर जो आपका जो भी आंसर है, आई विल रिफ्रेज माई क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ये बहुत जरूरी है समझना। दैट्स व्हाई जब मैं आपको पूछता हूं या जब आपको कोई भी पूछता है कि व्हाट इज लॉ, तो आई मीन टू आस्क यू व्हाट इज अ डिसीज। देखो बच्चों, मैं आपको ये नहीं पूछना चाहता कि ट्रीटमेंट क्या है, मैं ना ही आपको ये पूछना चाहता हूं बच्चों कि सिम्टम क्या है। आई एम आस्किंग यू डिसीज, डिसीज क्या है जिसकी वजह से लॉ बनाया गया, ऐसी क्या पड़ी थी जो लॉ बनाया गया, ऐसा क्या था कि सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट बढ़ गया, सीए इंटर में सब्जेक्ट बढ़ गया, सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट बढ़ गया, ऐसा क्या था जिस वजह से लॉ बनाना पड़ता है, ये सोचिए क्यों लॉ बनाना पड़ता है, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब अगर फेस टू फेस बैच रहती तो बच्चे आंसर देते थे, उनके ही आंसर मैं बोलता हूं जो मैंने अभी तक सुने हैं पिछले 10 सालों से। सर डिसीज सर कि रूल्स एंड रेगुलेशन सर होने चाहिए। बेटा मुझे एक सिंपल चीज का आंसर देना, रूल्स एंड रेगुलेशन ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है, प्लीज डू अंडरस्टैंड, एवरीवन मस्ट कंसंट्रेट दिस, रूल्स एंड रेगुलेशन वेदर इट इज अ डिसीज और ट्रीटमेंट, यू विल अंडरस्टैंड इट इज अ ट्रीटमेंट। तो सर नॉट डिसीज सर, आप सोचो अगर लॉ नहीं होता तो सब लोग एक लाइन से काम नहीं करते थे। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लॉ क्यों बनाते हैं। लॉ हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिचुएशन लॉ डिमांड करती है। सिंपल एग्जाम्पल, हम स्टोन एज में रहते थे, स्टोन एज पता है सबको, स्टोन एज पत्थरों का जमाना, स्टोन एज में ना हमारे पास कोई व्हीकल थी, ना हमारे पास कोई गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना कुछ था, दिमाग भी कम था,
तो स्टोन एज में एक तो हम चलते थे, खड़े होते थे या फिर भागते थे, ठीक है, शिकार वगैरह करने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद हमने गाड़ियों का इन्वेंशन किया, गाड़ियां, और गाड़ियों का इन्वेंशन हमने जैसे ही किया हम गाड़ियां चलाने लगे। देखो जब स्टोन एज था लोग सिर्फ जब चलते थे तो गाड़ियों की रिस्क नहीं थी, एक्सीडेंट की रिस्क लोग चलने में नहीं होती थी। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक आदमी दूसरे आदमी से भिड़ गया, हाँ देखा होगा एक आदमी दूसरे से भिड़ गया, पर ऐसा नहीं देखा होगा कि एक दूसरे से टकरा गया और दूसरा आईसीयू में एडमिट हो गया। मतलब रिस्क तो चलने के वक्त थी नहीं। और आप सोचो कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आज तक कोई लॉ नहीं है। हम हर रोज चलते हैं, डेली चलते हैं, जब से पैदा हुए उसके एक साल बाद से हम चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, 20 साल हो गए, पर चलने के लिए कोई लॉ नहीं है। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कहता है कि चलते वक्त लेफ्ट पैर ही बाहर डालना चाहिए, फिर ही राइट पैर बाहर डालना चाहिए घर के। ऐसा कोई लॉ नहीं जो कहता है जो वॉशरूम में जाते वक्त लेफ्ट पैर ही डालना चाहिए। एनीथिंग कैन बी देयर। ऐसी दिन भर की कितनी भी चीजें हैं आप सोचो जिसके लॉ नहीं है, जो आप डेली करते हो, ब्रश करना, देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ब्रश लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से, ऑफ कोर्स नॉट। नहाने के लिए कोई लॉ नहीं है। आप सवेरे के बैचेस में नहा के जाते थे कभी, 7 से 10 के बैच में? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ब्रश के लिए, जो नहाने के लिए, जो, खैर छोड़ो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसी डेली की कई सारी चीजें जिसके लिए कोई लॉ नहीं है, पर जब हमने गाड़ियों का इन्वेंशन किया, चलने से हम बड़े गाड़ियों की तरफ, गाड़ियां चलाना शुरू की। अब गाड़ी को खुद का दिमाग नहीं होता है, गाड़ी दिमाग यूज करती है चलाने वाले का। घोड़ा गाड़ी भी रही ना तो चलो घोड़े को दिमाग होता है, उसको समझ में आता है कि कैसे चलना है, आगे खाइए नहीं जाएगा, रुक जाएगा। वो चलाने वाले का दिमाग यूज नहीं करता है, खुद का दिमाग यूज करता है। चलाने वाले ने हंटर मारा फिर भी नहीं जाएगा, आगे खाई रहेगी तो। लेकिन गाड़ियां, गाड़ियों को खुद का दिमाग नहीं होता, वो यूज करते चलाने वाले का। अगर चलाने वाले को दिमाग होगा तो डिपेंड। तो फिर हमने गाड़ियां चलाना शुरू किया, और गाड़ियां तो हम कैसे भी चलाते हैं, खास करके अगर ऐसा कोई रोड है जो हरियाली भरा है, रोड, हरियाली रोड होता है ना, हर सिटी में एक हरियाली रोड जहां जाने के बाद नैन सुख प्राप्त करते हो आप, विटामिन ए। तो अगर ऐसे आपने गाड़ी चलाना शुरू किया जूम करके, और गाड़ी चलाते चलाते पुणे में एक ऐसा रोड है एफसी रोड, अगर आप उस रोड पे जाना शुरू कर दो एफसी रोड पे, और गाड़ी ऐसे चलाना शुरू कर दो और आजू बाजू में नजारे देखना शुरू कर दो, तो आप तो समझो नजारा दिख गया, आप तो और अच्छा नजारा दिखा, उससे भी अच्छा नजारा दिखा, भगवान गाड़ी तो टूकी देनी है आपने, है तो ऑब्वियसली बात है गाड़ियों पे डिस्ट्रैक्शन होगा, दिस लीड्स टू एक्सीडेंट, दिस लीड्स टू ट्रैफिक जाम, और ये होगा ही होगा। अल्टीमेटली एक्सीडेंट्स लीड्स टू एडमिशन ऑफ पर्सन इन द आईसीयू, ट्रैफिक जाम लीड्स टू लॉस ऑफ टाइम। और जब हमको ये समझ में आया कि भाई चलने से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते थे, चलने से कोई आईसीयू में एडमिट नहीं होता था, चलने से उल्टा हेल्थ अच्छी होती है, और कोई चलने से ट्रैफिक जाम नहीं होता था। हाँ कुछ अगर ऐसे मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, उन जगह पे ट्रैफिक जाम जरूर होता है, पर नॉर्मली नहीं होता है। और फिर जब अपने गाड़ियां इन्वेंट की, हमें समझ में आया कि इस वजह से ये दोनों चीजें होती है, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ा कि सिर्फ ये दो चीजें अवॉइड करने के लिए, आप सोचिए सिर्फ ये दो चीजें अवॉइड करने के लिए, टाइम वेस्ट एंड हेल्थ और कंडीशन, मतलब हर एक का लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये समझने के हिसाब से इंडिया में लॉ बनाया गया। लॉ का नाम रखा गया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसी के लिए बनाया है। सोचिए यही वो लॉ है जिसके अंदर सभी रोड साइंस दिखाए जाते हैं, यही वो लॉ है जिसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल दिए जाते हैं। हालांकि अपने यहां ट्रैफिक सिग्नल की मीनिंग अलग है, ग्रीन का मतलब होता है नॉर्मली गो, ऑरेंज का मतलब होता है कि भाई रुक जाओ, रेड का मतलब बिल्कुल नहीं चलना है। हमारे यहां तो मीनिंग अलग है, ग्रीन का मतलब होता है गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, एंड रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू है लेट्स गो, है ना, मामू नहीं है चलो। तो ये जितनी चीजें इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लिखी है, ये चीज आपको समझना बड़ा जरूरी है, साइंस है ये, सिग्नल्स है। अब आप सोचो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बना कैसे होगा, एक सिंपल एक छोटा सा स्टीरियोटाइप उसका लेते, छोटा सा एग्जांपल, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप इमेजिन करो अभी आप जिस रूम में बैठे हो, जिस हॉल में बैठे हो, जरा देखो इधर उधर, फिलहाल मेरे तरफ नहीं देखा तो चल जाएगा, देखो जरा हॉल में इधर उधर क्या क्या है, कितना क्या क्या चीज है। अब आपके हॉल में, आपके रूम में जितना फर्नीचर पड़ा है, आप उस पूरे फर्नीचर को उठा के कहीं रख दो, और अगर आप हॉल या रूम में लेक्चर नहीं देख रहे हो, टेरेस वगैरह पे ऊपर लेक्चर देख रहे हो या कहीं और लेक्चर देख रहे हो जहां आपको नहीं देखने चाहिए, निकलो निकमो नलायक हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस रूम को इमेजिन करो खाली है। और बचपन में देखो स्कूटर आती थी, स्कूटर जिसके अंदर पैर रख के फिर एक पैर से हम धक्का देते थे, जूम जूम, कोई मिल गया वाली, कोई मिल गया बता रहा मैं आ रहा हूं, जादू मैं आ रहा हूं। तो स्कूटी मैंने आपको दी और मैंने आपको बोला कि रूम के कॉर्नर से चलाना शुरू करो,
अब आप अकेले हो, आराम से चला लोगे, चलो मैंने 10 लोग और स्कूटर के साथ ऐड किए, थोड़ी भीड़ बढ़ जाएगी, फिर लोग एट रैंडम कैसे भी चलाना शुरू करेंगे, ठीक है, एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा, और 10 लोग ऐड कर दिए तो ट्रैफिक जाम होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। अब ये ट्रैफिक जाम एक्सीडेंट अवॉइड करना है उस रूम में, स्पेसिफिक रूम में, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने रूल बना दिया कि सब लोग दीवारों के कॉर्नर से ही ड्राइव करेंगे, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा ट्रैफिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दीवारों के कॉर्नर से चलना शुरू हो गया। मैं बोला जिसको रुकना है वो सेंटर में आके रुक गया, रूल नंबर 2, जिसको रुकना है सेंटर में आके रुक गया, जो रुक रहा है वो सेंटर में आके रुक रहा है। यही तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है। सिर्फ रूम का मतलब पूरा इंडिया ले लो, ये रोड साइंस का मतलब हमने जो रूल्स दो बनाए वो ले लो, बस वो एम्पलीफाई कर दो, और बस यही रीजन होता है लॉ बनाने का। तो लॉ क्यों बनाता है? लॉ इसलिए नहीं बनाते सीए फाइनल के बच्चों को टॉर्चर करना है, लॉ इसलिए नहीं बनाते कि पार्लियामेंट के पास बहुत समय है, लॉ इसलिए बनाते हैं बच्चों क्योंकि हमें सिचुएशन लॉ बनाने के लिए बोलती है। सिचुएशन गलत है इसलिए लॉ बनाना पड़ता है। सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट नहीं होता, ट्रैफिक जाम नहीं होते, टाइम वेस्ट नहीं होता, तो हम इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट क्यों बनाते हैं? सब खुशी खुशी चल रहे, ब्रश एवरीडे हर बंदे खुद की खुशी के लिए कर रहा है, कोई लॉ है? हाँ, टूथपेस्ट कैसा बनना चाहिए उसके लिए है, पर ब्रश करने का कोई लॉ नहीं है, नहाता आदमी हर रोज है उसके लिए कोई लॉ नहीं है। सोचिए, समझ में आ रहा है? तो लॉ सिचुएशन के ऊपर बनाया जाता है। सिचुएशन जब डैमेज करेगी वो डैमेज को सेफ्टी में कन्वर्ट करने के लिए लॉ बनाया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? तो एक सेंटेंस लॉ में मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे पहले क्लास से, पहले फर्स्ट क्लास से चल रहा है बेटा जिंदगी में, द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, सिर्फ बनाने के लिए बनाना है इसलिए नहीं बना रहे, सिर्फ बनाने के लिए बनाना है इसलिए नहीं बना रहे। द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, सिचुएशन लॉ को डिमांड करता है। देयर इज हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ, इफ यू रीड द हिस्ट्री थरोली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर। हर लॉ के पीछे हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री सही तरीके से पढ़ते हो तो लॉ भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। If you read the history thoroughly, it will help you to understand law better. Following are the examples of the law which came as a consequence of history. ये नीचे दिए गए कुछ एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं जो हिस्ट्री की वजह से लॉ बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, एक और, कभी आपने फोटोज देखे है? देखे किसी ने? आपने अगर कभी ये फोटोज नहीं देखे होंगे, एक फोटोज है भोपाल गैस ट्रेजेडी के। भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है? यूनियन कार्बाइड नाम का कंपनी था जिसने 1984 में, केमिकल फैक्ट्री था, 1984 में जिस कंपनी के अंदर डैमेज हुआ और गैस लीक हो गया, गैस का नाम था मिथिल आइसोसाइनाइड। अब जिसको साइनाइड ये वर्ड से ज्ञान नहीं है, मेरा 11th 12th साइंस था तो मैं जानता हूं कि साइनाइड क्या होता है। साइनाइड ये इतना पॉइजनस सब्सटेंस है कि अगर उसके अंदर हम निडल डुबो के आपको ऐसे टुच कर दे, टुच कर दे, ऐसे टुच्चू कर दे आपको, ठीक है, तो आप 2 मिनट के अंदर निपट जाओगे, इतना पॉइजनस सब्सटेंस है। ये गैस के फॉर्म में लीक हुआ भोपाल के शांटी लोकेशंस पे। आप सोचो, मतलब हवा में जहर घूम रहा है, हवा में जहर फैला है। कई बार मूवीज में सुना हूं हवा में जहर, वो लिटरली प्रैक्टिकली हुआ था। 3000 लोग रात भर में मर गए, 2800 के आसपास, 2800 से 3000 लोग रात भर में मर गए। वहां से लेके आज तक कहा जाता है 8-10 हजार लोग मर गए होंगे, 50-60 हजार लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए, और 1.5-2 लाख टेम्पररी डिसेबल हुए, 5 लाख से ज्यादा लोग इसके चपेट में आए थे, और अभी भी जो भोपाल में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर उस केमिकल साइड इफेक्ट के ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसके भी एडिशन में वो मिथुल आइसोसाइनाइड का जो गैस है जो लीक हुआ था, ऐसा कई सारा 20 मेट्रिक टन का गैस इज बरीड इन द वेसल्स बिलो द ग्राउंड इन भोपाल, जो अभी धीरे धीरे लीक हो रहा है ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से भोपाल के वाटर सोर्सेस में पॉइजनस सब्सटेंस फैल रहे, क्योंकि उन्होंने 20 टन का गैस उस यूनियन कार्बाइड कंपनी ने फैक्ट्री के जमीन के नीचे दबा के रखा था। और आपको पता है, इतना सब बावजूद, इतना सब होने के बाद यूनियन कार्बाइड का जो ओनर था मिस्टर एंडरसन, वॉरेन एंडरसन, वो बंदा इंडिया छोड़ के भाग गया पॉलिटिकल पावर्स का यूज करके, और उसने कंपेंसेशन प्रॉमिस किया था कि भाई मैं कंपेंसेशन दूंगा सबको, कोई कंपेंसेशन इंडिया में नहीं आया। 94 इयर्स ऑफ एज तक के वो जिया, 2014 में उसकी मौत हो गई, 2014-15 में उसकी मौत हो गई, और अभी तक के भोपाल के लोगों को इसका कोई कंपेंसेशन नहीं मिला है। आपको पता है, खास बात पता है, 1984 तक के हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं था जो इस सिचुएशन से निपट पाए, कोई लॉ नहीं, मतलब ऐसा भी कोई लॉ नहीं था कि जो ये बोले कि जिसने ये किया है हम उसको पिनलाइज करेंगे, ऐसा भी कोई लॉ नहीं था। 2-3 दिसंबर का यह हादसा हुआ है गैस लीक का, आप देखना
लॉ बनाया गया भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट, ये नहीं भैया प्रिकॉशन, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम, बोले हादसा तो हो गया आप क्लेम्स तो ले लो कम से कम, कंपेंसेशन तो ले लो, और ईयर रखा 1985। अब आप मुझे एक बात बताओ सिंपल, अगर ये गैस का लीक नहीं होता तो क्या, अगर ये गैस का लीक नहीं होता तो क्या हम ये लॉ बनाते थे? क्या अगर हिस्ट्री ही नहीं होती थी तो क्या हम ये लॉ बनाते थे? हम नहीं बनाते थे। तो सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, सिचुएशन है तो लॉ है। अगला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, बड़ा काम का लॉ है, हुंडा, बेसिकली चाइल्ड फीटोसाइड, फीमेल फीटोसाइड जिसको हम कहते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा रीजन यह है। जैसे ही घर में लड़की पैदा होती थी, 1960s 70s की बात है, लड़की पैदा होती थी एक बैड न्यूज करके माना जाता था, माना जाता था, अभी नहीं, अभी सोसाइटी बहुत डेवलप हुई है, स्टिल कुछ गांव कुचे इलाकों में अभी भी ये मेंटालिटी चलती है, और ये कतई गलत मेंटालिटी है। तो स्त्री भ्रूण हत्या, क्योंकि जैसे ही लड़की पैदा होती थी बाप को टेंशन आ जाता था कि भाई इसकी शादी कैसे करवाएंगे, क्योंकि शादी में तो बड़े पैमाने पर दहेज मांगते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है, बट कई सारे एरियाज में काफी झंडे गाड़ रही है, खुद का पैसा खुद कमाती है, अगर दहेज भी देना पड़ा खुद दे देगी, वैसे देगी ही नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, गलत बात है, पर लड़की आर फाइनेंशियली साउंड नाउ, दैट्स व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन। अब क्या डाउरी ये सिर्फ 1961 में आया था या 1960 में आया था? ऐसा तो नहीं है, डाउरी तो राजा महाराजाओं के जमाने से चल रहा होगा। आपने वो जोधा अकबर मूवी देखा होगा, आपने कोई भी राजा महाराजा का मूवी देखा होगा, तो वो तो घोड़े हाथी उसके साथ सोना गहने राज लोग दासिया सबको भेजते थे कि ये सब दहेज में ले लो, दासिया भी लोग भी दहेज में ले लो, और हद होती है जिंदगी पे। तो ऑब्वियस ही बात है डाउरी प्रोहिबिशन, ये बहुत पहले से था डाउरी, बट हमने लॉ बनाया 1961 में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो ये सर, ना ये चीज को आपने याद रखना। अगला ये फोटोज देखे, कौन है ये? अजमल कसाब, और ये संजू बाबा, संजू बाबा पता है ना, हाँ मूवी तो देखा होगा। ओके 309 308 ऐसा कोई डिजिट है ना, हाँ है ना। चलो अब हम बात करें अजमल कसाब की, दिन दहाड़े 200-300 लोगों को मार दिया AK-47 से, हैंग टिल डेथ का ऑर्डर पास किया गया था, और लोग उसमें भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि ऐसे आदमी को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी तो इच्छा हो गई थी जिन लोगों ने इसके डिफेंस में बोला था ना इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, उनको भी साथ में लटका देना चाहिए था, तंटे ही खत्म जिंदगी में। कौन करता है ऐसा? दिख रहा है लोगों को 200-300 लोगों को मारो, उसका काय की ह्यूमन राइट्स। संजय दत्त को कॉन्विक्ट किया गया, हालांकि संजय दत्त को आर्म्स एक्ट में कॉन्विक्ट किया गया, क्योंकि ये प्रूव नहीं हो पाया कि ये टेररिज्म सपोर्ट है करके, आर्म्स एक्ट में उसको कॉन्विक्ट किया गया, 5-6 साल की सजा हुई आई गेस। पर मुझे एक सिंपल चीज नहीं समझती, मूवी में दिखा दिया आपने, मान लिया सब खत्म हो गया, ना बेटा ऐसा नहीं रहता। सेल्फ डिफेंस में उन्होंने बोला कि मैंने गन रखी थी, सेल्फ डिफेंस में AK-47 रिवॉल्वर नहीं मिली, और आप तो सेलिब्रिटी थे, आपके फादर सेलिब्रिटी थे, तो लाइसेंस रिवॉल्वर तो काफी आसानी से मिल सकती थी, AK-47 AK-56 आई हैव क्वाइट अ डाउट, बट जो भी सिचुएशन है ठीक है। अब इन दोनों को, संजय दत्त को नहीं, बट एटलीस्ट अजमल कसाब को जो इंप्रिजनमेंट डिक्लेयर किया गया था या जो फांसी डिक्लेयर किया गया था, दैट इज अंडर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। आपको पता है इंडिया में टेररिज्म का एक बहुत वीक लॉ था पहले, जिसका नाम था टाडा, ये इधर इसका लॉन्ग फॉर्म भी लिखा है कहीं, देखो टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टाडा करके इसका नाम था, नॉन बेलेबल ऑफेंस, टेररिज्म नॉन बेलेबल है, आप जंदर जमा हो गए आपको बेल नहीं मिलेगा, बेल क्यों देंगे पागल है, वापस जाके बॉम्ब फोड़ने के लिए बेल देंगे। सो टाडा ऑफेंस, और इतना वीक लॉ था कि उसके अंदर हम कुछ ट्रीट नहीं करते। 1985 में लॉ बना, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसकी केस 20 साल तक चली। संजय दत्त को 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के केस में 2013 में डिसीजन दिया गया, इमेजिन 20 ईयर्स। इतना वीक लॉ था टाडा, इतना वीक, लोग चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट के सामने थक गए, ये लॉ को चेंज करो हम फ्रस्ट्रेट हो गए, टेररिज्म वाली चीजें चल रही, अपोजिशन पार्टी चिल्ला चिल्ला के थक गई, नहीं हुआ। फिर एक मस्त घटना हुई 2001 में, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, जिसके लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग याकूब मेनन वगैरह जैसी चीज लोगों को हमने अरेस्ट किया था। सो 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, पार्लियामेंट के लोगों की फट गई, अरे बाप रे ये तो यहां तक आ गए, अब तो लॉ अमेंड करना पड़ेगा। मतलब सोचो तब तक लॉ अमेंड नहीं हुआ जब तक पार्लियामेंट के ऊपर अटैक नहीं हुआ, जैसे ही पार्लियामेंट, अभी बाप ये यहां पहुंच गए, बम फूट दिया बाजू में बूम, और फिर इमीडिएटली 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। कैन यू इमेजिन,
मुझे एक बात बताओ, अगर पार्लियामेंट में 2001 में बॉम्ब नहीं फूटता, आपको लगता है 2002 में वो लॉ पास करते थे? 1985 उसे नहीं किया, 93 में बॉम्ब लास्ट हुआ, 96 97 में बॉम्ब लास्ट हुआ, 2001 में जब पार्लियामेंट ने, तब बहुत जरूरी अब करना पड़ेगा, यहां तक पहुंच गए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। लॉ कोई टाइम पास के लिए नहीं बनाता, लॉ बनाते हैं क्योंकि सिचुएशन लॉ मांगती है। सिचुएशन बोलती है कि नहीं अब जरूरत है, इससे डैमेज हो रहा है, लॉ बनाइए, तो हम लॉ बनाएंगे। सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो जो सेंटेंस मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहली चीज ये आप लिख लीजिए, ये सेंटेंस बड़ा काम का है। अच्छा, कहां लिखोगे? 200 पेजेस के आपके जो बुक है, जिसके 30 पेजेस आपने ब्लैंक रखे हैं, वो 30 पेजेस ब्लैंक के बाद में आगे आपको ये चीजें लिखना शुरू करना है अभी से। जब तक मैं ना बोलूं 30 पेजेस में कुछ नहीं लिखना बेटा, ठीक है? जब तक ना बोलूं, अभी नॉर्मली राइटिंग करना, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, लिख लिया सबने? जिनका नहीं हुआ पॉज करके लिख सकते हैं। डन एवरीबडी? अब ये तो समझ में आया, लॉ सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स है क्या जो लॉ को डिसाइड कर सकते हैं? कोई ऐसी चीजें हैं जो लॉ को गवर्न कर सकती है, कि ऐसे कुछ फैक्टर्स जो लॉ को चलाते हैं? सो अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है? सो लेट्स स्टार्ट। मैं जैसे बोला, सिचुएशन डैमेज करती है, इसलिए लॉ सेफ्टी क्रिएट करता है। तो सेफ्टी इज अ वेरी प्राइमरी फैक्टर ऑफ लॉ, वेरी प्राइमरी। अगर सेफ्टी के लिए बना रहे हो तो लॉ बनाएगा, एवरी टाइम पास के लिए या बेनिफिट के लिए सिर्फ लॉ नहीं बन सकता। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी लॉ उठा के देख लो, इट इज मेड फॉर सेफ्टी। यह चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, सेफ्टी इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। जैसे टेररिज्म से सेफ्टी, बॉम्ब ब्लास्ट से सेफ्टी, क्लियर है आंसर? फिर सेफ्टी के बाद दूसरा आता है बेनिफिट, ठीक है? बेनिफिट अगर लॉ आपको सेफ्टी देता है और कुछ मार्जिन बचता है, तो आपको बेनिफिट देने की भी कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट पता है सबको? आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहला पोर्शन ये यूज किया जाता है इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए। फिर उसके बाद में जो पोर्शन बचता है इनकम टैक्स का, वी यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ एयरपोर्ट्स, रेलवेज, बस सर्विसेज। अब आप सोचो, इनकम टैक्स से अगर आप एयरपोर्ट, रेलवेज और बस सर्विसेज नहीं बनाते, और इंडिया में एयरपोर्ट, रेलवेज, बस सर्विसेज नहीं होता था, तो आपको ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता था। आज भी अगर आप सोचते हो कि यहां से मेरे को दिल्ली जाना है, या दिल्ली का आदमी कोई सोच रहा है, दिल्ली के लोग, कि वहां से मेरे को पुणे आना है, तो आप 2 घंटे के अंदर दिल्ली से पुणे जा सकते हो, मैक्सिमम 3 घंटे, रपारप रपारप। सुबह सोचो, शाम तक के काम करके वापस भी आ जाओगे आप। इट इज बिकॉज, क्योंकि लॉ बेनिफिट भी देता है। सो सेफ्टी और बेनिफिट, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स आर यूज नॉर्मली फॉर सेफ्टी, बट फायर फाइटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर बेनिफिट। अच्छे बिल्डिंग के स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हम फायर फाइटिंग सिस्टम यूज करते हैं। कई बार हमको काफी अच्छी चीजें करनी होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जन्माष्टमी पे दही हंडी वगैरह जब होती है, तभी भी फायर फाइटर्स वगैरह को यूज किया जाता है कि लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेफ्टी एज वेल एज बेनिफिट। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। सो प्राइमरी फैक्टर, सब जोर से चिल्लाएंगे, जहां पर भी बैठे हो इतने जोर से चिल्लाना कि बाजू के रूम से उठ के सब लोग आ जाए आपके रूम में, क्या हो गया, बोलो सेफ्टी।
बोलो जोर से, सेफ्टी, शाबाश, टॉप, तूफान, शानदार। जिसने नहीं बोला उसको उसके एक्स की कसम, याद रखना। सो सेफ्टी, एक्स बोला तो आप बोलोगे ही नहीं अभी। सो सेफ्टी। दूसरा है बेनिफिट, सब जन जोर से बोलो क्या है बेनिफिट। सो फर्स्ट फैक्टर सेफ्टी, दूसरा फैक्टर बेनिफिट। समझ में आ रहा है? आपको सेफ्टी मिले सही है, आपको बेनिफिट मिले अरे बहुत जबरदस्त, लेकिन आपको सेफ्टी, आपको बेनिफिट आपके कॉस्ट पे मिलना चाहिए, एट योर ओन कॉस्ट, तुम्हारे कॉस्ट पे, मेरे नहीं, किसी और के नहीं, तुम्हारे। सो व्हाट डू मीन बाय नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर मतलब दूसरे के कॉस्ट पे नहीं। सर कैसे मतलब के? तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारा बेनिफिट तुम्हारे कॉस्ट पे नहीं। अगर सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे बताओ आदमी सीए क्यों करता है? तुम क्यों सीए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सीए बताओ जरा मुझे, क्यों सीए कर रहे हो? आदमी कोई भी सीए करता है ना, उसका एक सपना होता है कि मैं सीए करूंगा, करोड़ों में कमाऊंगा, मेरा फिर एक छोटा सा घर होगा, छोटा सा घर, और मेरी एक छोटी सी गाड़ी होगी, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी, और एक सुंदर सी लड़की शादी करने के लिए, और लड़की अगर होगी तो सुंदर सा लड़का। हालांकि अभी ये ट्रेंड रहा नहीं शादी करने का, तो तुम तो नलायक हो, तुम बोलोगे काय को मैं वैसी अच्छा हूं, सिंगली अच्छा हूं, है ना। सो एक छोटा सा बंगला, एक छोटी सी गाड़ी, सुंदर सी लड़की, आदमी इसलिए सीए करता है। समझो तुमने करोड़ों कमाए, मेरी दुआ है कमाओ, मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, मेरी दुआ है, तुमने करोड़ों कमाए, एक मस्त बड़ा बंगला ले लिया, ताकत से एकदम बड़ा, 10-12 BHK, 10-12 BHK, हर एक दिन रूम में अलग अलग रूम में सोऊंगा, ठीक है। सो तूने बड़ा बंगला ले लिया, फिर तुम गाड़ी लेने गए और तुमने एक गाड़ी ली नैनो। सो नैनो, नैनो बेस्ट गाड़ी है ना, नैनो हाथ साफ करने के लिए तो सबसे अच्छी गाड़ी है, कितने भी भगाओ, कितनी भी ठोको, मैक्सिमम खर्चा 1.5 लाख रुपया। सो तुमने गाड़ी ली नैनो, चीली रेड कलर की नैनो ली, तुमने डिसाइड किया गाड़ी मेरी, दिन मेरा शोरूम से जिस दिन निकालूंगा ताकत से चलाऊंगा, कितनी भी ठोक दो 1.5 लाख का खर्चा, ऊपर से इंश्योरेंस निकाला है, तुमने शोरूम से गाड़ी बाहर निकाली, शोरूम फोड़ के आ गए बाहर रस्ते पे, फुल रेड, चिली रेड कलर, 4 सिग्नल दूर से दिख जाए ऐसी वाली नैनो ली तुमने, फुल स्पीड में एक्सीलेटर पे पैर रखा, जो भगा रहे हो, गाड़ी चलाना आता नहीं, विंडशील्ड नीचे करके रखी, विंडोज नीचे करके रखी, फुल एयर फोर्स इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट, और तुम गाड़ी चला रहे, जूम, ये ताकत से गाड़ी चल रही है, सामने रेड सिग्नल आया, तूने बोला है कार मेरी, दिन मेरा, सिग्नल का कलर, गाड़ी का कलर मैच कर रहा है, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सिग्नल तोड़ दिया, जैसे ही सिग्नल तोड़ा बीच चौराहे पे चौक में जाके तुमने ठोक दी गाड़ी BMW 7 सीरीज को। आहा, BMW 7 सीरीज नैनो, बूम, BMW 7 सीरीज का टायर विथ इट्स एक्सेल आता है 1,75,000 रुपए का, जिसमें पूरी की पूरी नैनो आ जाएगी। BMW वाला आदमी भड़क गया, नीचे उतरा, चिल्ला रहा है, बाहर निकल क्या कर दिया, तुम खोले नहीं दरा, विंडशील्ड भी ऊपर, चुपचाप बैठ, मैं नहीं निकलूंगा, उसे खिड़की फोड़ी, तुमको बाहर, बाहर निकल, तुम बाहर है, क्या हुआ, क्या हुआ, गाड़ी बोनेट ठोक दिया, टायर ठोक दिया, खत्म हो गया, दे 5 लाख रुपए। तुमने बोला गाड़ी रख ले नैनो, ये ले चाबी, लेके जा, बूम, ऑब्वियसली कौन देगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने गाड़ी फास्ट चलाई, तुम्हें हवा लग रही थी, तुम्हारा बेनिफिट, तुम सीट बेल्ट बांधे, तुम्हारी सेफ्टी, लेकिन तुम सिग्नल तोड़ के जो मजा ले रहे थे उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, तुम जो बेनिफिट ले रहे थे इसका खामियाजा किसको लेना पड़ा, BMW 7 सीरीज। भाई तुम्हारी सेफ्टी सही है, तुम्हारा बेनिफिट भी सही है, पर ये तुम्हारे कॉस्ट पे, इसका कॉस्ट किसी और को नहीं लगना चाहिए, इसलिए तो लॉ है, इसलिए तो सिग्नल है कि आप कभी तोड़ो ना और किसी और को कॉस्ट ना लगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। सो तीन चीजें हुई, जोर जोर से चिल्लाना, आजू बाजू वाले भी घर के अंदर आ जाने चाहिए, क्वारंटीन चल रहा है आई नो, पर बाजू वालों को धक्का आवाज देना चाहिए, उनको लगना चाहिए क्या चल रहा है इस घर में। सेफ्टी सबसे पहला, जोर से बोलो सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट शानदार, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, तूफान। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। और सबसे एंड में, जैसे आप अगर कभी चोरी करते हो
तो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, यू आर गेटिंग बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर, डकैती करते यू आर गेटिंग बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. लास्ट वाला एथिक्स. सो व्हाट डू यू नो एथिक्स, एनीवन, व्हाट इज एथिक्स, किसी को पता है एथिक्स क्या होता है, बताओ जरा मुझे, व्हाट इज एथिक्स, हाँ बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत, खुद से ही बोलो, रूम में होंगे अकेले, मेरे तक पहुंच जाएगा, मैं अंतर्यामी है, टेलीपैथी चल रही है, हाँ मैं सुन रहा हूँ. हाँ सर, इथिक्स मतलब सर मॉरल्स. हाँ इथिक्स मतलब मॉरल है. देखो टेलीपैथी कितनी वर्क कर रही है बेटा, इथिक्स और मॉरल के बीच के डिफरेंस के ऊपर सीए इंटर ओल्ड सिलेबस में 5 मार्क का पहले ही डिफरेंस पूछा जाता था. इथिक्स इज नॉट अ मॉरल, मॉरल मीन्स कस्टम्स. हिंदू के घर में पूजा पाठ करना चाहिए इज अ मॉरल, मुस्लिम के घर में नमाज पढ़ना चाहिए इज अ मॉरल. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इथिक्स इज समथिंग डिफरेंट. एथिक्स इज इंडिविजुअलिटी, सही समय पे सही चीज को डिसाइड करना इज एथिक्स. एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप जब सीए इंटर पास हुए, क्या पास हुए, सीए इंटर, पार्टी वार्टी की होगी सबने, पार्टी की, पार्टी नहीं, मजाक कर रहे हो जिंदगी में, उल्लू समझते हो है. सो पार्टी वार्टी की होगी सबने, मस्त डिस्क में जाके डांस वांस, माहौल बनाना पड़ेगा ना थोड़ा. सो डिस्क में जाके आपने डांस वांस ताकत से करना शुरू कर दिया, जोरदार एकदम, लोग आपके आजू आजू में नाच रहे थे अलग अलग टाइप के, ये आप हो अजीब तरीके से नाच रहे हो. सो आप डिस्क में नाच रहे थे, मेरे तरफ ध्यान दो, अभी डिस्क पे ध्यान मत दो, आप डिस्क में नाच रहे थे. अब आपका डांस मालूम आपको ऐसा नहीं तो गणपति गणपति डांस तो सबको आता है, दन 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 है ना. सो आपका डांस था गणपति डांस, आप करना शुरू कर दिए, आप डांस करे जा रहे हो और इमेजिन करो एक आदमी ऐसे दूर बैठा है और आपको गुस्से से देख रहा है. आपका डांस ही ऐसा होगा शायद कि गुस्से से ही देखने लायक होगा. सो एक आदमी दूर बैठा है और आपको गुस्से से देख रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, दूर बैठ के गुस्से से देख रहा है आपको, आपका डांस ही ऐसा होगा. हमने उसके बाद देखा अभी अभी इंटर पास हुआ, लोग जलेंगे, जलने वाले जलेंगे, व्हाट द, तो आपने और डांस करना शुरू कर दिया. ठीक है, जिंदगी में बड़े मौके मिलेंगे, जलने वाले तो जलेंगे. ठीक है, आपने और जोर से डांस करना शुरू किया. फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी ने ऐसे स्लीव्स यूज फोल्ड की, ऐसे जगह से उठा, जैसे ही वो जगह से उठा आपका डांस स्लो हो गया. फिर उसने साइड से एक बॉटल उठाई, आपका डांस और स्लो हो गया. फिर वो बॉटल लेके फोड़ी और आपके तरफ भागना शुरू कर दिया, आपका डांस स्लो मोशन हो गया. पता नहीं क्यों, आप उसको जानते नहीं पहचानते नहीं, लेकिन बॉटल लेके आपके तरफ आंखों में अंगारे लिए और आपके तरफ भाग रहा है. मुझे एक बात बताओ, रीजन पता हो या ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे? सो आपने अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया, वो आपके पीछे, आप उसके आगे, आप उसके आगे, वो आपके पीछे, टू मच फन. जब आप भाग रहे थे 5-6 किलोमीटर भाग लिए, डिस्क राउंड चक्कर काट लिए, आपने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं, मेरी क्या गलती है, डांस करना मेरी गलती है, इंटर पास हुआ यह गलती है, या जिंदगी में सीए सिलेक्ट कर लिया यही मेरी गलती है. तो आप भाग रहे हो, फिर आप थक गए, आप बोले क्या पसीना पसीना हो गया, क्या है ये, इसलिए आप साइड में पलटे, आपने देखा आपने दो बॉटल उठाई, दो फोड़ी, उसके अंदर पलटे, बोले आ अब दिखाता हूं मैं. देखो दो केसेस, फर्स्ट केस में वो आपके पीछे भाग रहा है एक बॉटल लेके, सेकंड केस में सेल्फ डिफेंस में आप उसके तरफ बढ़ रहे हो दो बॉटल लेके. लेट्स इमेजिन फर्स्ट केस में उसने आपको बॉटल दे मारी, सिर पे फोड़ी, पेट में डाली, खिचक, मर्डर, मर्डर वन, मर्डर टू, मर्डर थ्री, तीन बार डाली, तीन पार्ट आए थे ना. सो तीन बार उसने बॉटल आपके पेट में डाली. मुझे एक बात बताओ, उसको मजा नहीं आ रहा था, आपको बहुत मजा आ रहा था, इसलिए उसने आपका मर्डर कर दिया, क्या एथिकल है अनएथिकल है? सोचो, सब जन बोल रहे होंगे अनएथिकल, टेलीपैथी, क्योंकि आपका मर्डर, चलो आपका तो मर्डर हुआ, आप तो बोल नहीं सकते, आप तो निपट गए जिंदगी में. वहां खड़े साइड में जितने भी लोग हैं उनसे पूछो क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है, क्या बोलेंगे वो, अनएथिकल. ये चीज समझना जरूरी है, दिस इज एथिक्स. वही सेल्फ डिफेंस में, वही सेल्फ डिफेंस में उसने एक बॉटल मारने के पहले आपने उसको दो मार दिया, कुछ सिर पे फोड़ी, पेट में डाली, मर्डर वन टू थ्री पूरा. वो नहीं क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट नहीं, चाकू चलाता है, वूप 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 वूप, वैसे ही आपने कर दिया पूरा उसका खत्म. मुझे एक बार बताओ, सेल्फ डिफेंस ने आपको, आपने उसको मारा, क्या इथिक्स है अनएथिक्स है? अब आपको इथिक्स लग रहा हो, मतलब तुम करोगे तो ला रास लीला, वो करे तो करेक्टर ढीला है,
ऑब्वियसली इथिक्स है। अच्छा आपने तो मारा है, आप तो इथिकली बोलोगे, साइड वाले को पूछ कर देखो कि भैया सेल्फ डिफेंस में मैंने इसको मारा, मेरी गलती है क्या, क्या बोलेंगे वो, है बिल्कुल नहीं है, यही इथिक्स होता है। आपने सिचुएशन का एनालिसिस किया, देखो मर्डर का तरीका सेम, मर्डर की जगह सेम, मर्डर का वेपन सेम, मर्डर का वे सेम, जितने लोगों के सामने किया विटनेस सेम, आपने किया तो आप सेल्फ डिफेंस में किए, उसने किया तो भैया मजे मजे में किया, आप बच गए वो चला गया, ये इथिक्स होता है। और इथिक्स ये हर लॉ का अज्यूम्ड इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर लॉ बनाया है तो इथिक्स के लिए बनाया होगा, और लॉ में कहीं लिखते नहीं है ऐसा, याद रखना बच्चों ये चीज बड़ी काम की है। किसी भी लॉ में लास्ट दो चीजें बिल्कुल नहीं लिखते हैं, किसी भी लॉ में ये जो लास्ट दो पॉइंट है ना, ये किसी भी लॉ में नहीं लिखते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एन अदर्स, लिखने की जरूरत नहीं है, अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड, JOOMED, अज्यूम्ड है, ये चीजें अज्यूम्ड है लॉ के अंदर कि भाई नॉट एट लॉ बनाया तो नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर, और इथिकली बनाया होगा। कहीं ऐसा नहीं है कंपनी का खोला पहले पेज पर लिखा है दिस लॉ इज वेरी इथिकल, मतलब जिसके ऊपर नहीं लिखा हो क्या अनइथिकल है। तो ये दोनों अज्यूम्ड है, पहले दो चीजें आपको लिखनी पड़ती है, हाँ सेफ्टी और बेनिफिट यू नीड टू राइट देम डाउन इन लॉ, और मैक्सिमम जो लॉ के प्रोविजंस बनते हैं वो सेफ्टी और बेनिफिट के ऊपर ही बनते हैं। आप कोई भी देख लो, डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन, आपने ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा होगा, सेफ्टी के लिए है, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर आना चाहिए, कोई भी प्रोविजन देख लो सेफ्टी और बेनिफिट के बाहर नहीं निकलेगा। और इथिक्स और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर ये अज्यूम्ड होगा। हाँ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर ये रेवेन्यू लॉज में नहीं लगता, क्योंकि टैक्सेस में हम अमीरों को लूटते हैं गरीबों में बांटते हैं, तो रेवेन्यू लॉज में ये नहीं लगेगा, ये चीज को आपने याद रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज इट वेरी क्लियर? सो ये चार फैक्टर आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं नीचे चाहूंगा एक हेडिंग डालिए, लिखना फॉलोइंग ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, डिक्टेट कर रहा हूं बोलना, Following are the factors on which law is based. चारों फैक्टर्स लिख रहे हो, और साहब ने ये जो कार्टून वगैरह है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट देम डाउन एंड अज्यूम्ड ये लिख के रखना, गो फॉर इट फास्ट। चारों फैक्टर लिखो, कार्टून छोड़ के सब ड्रॉ कर लो। लिखा सबने? चलो डन, लिख लिया सबने, वेरी गुड। अब ये होने के बाद में कोई देखो, अब ये दोनों तो अज्यूम्ड होते हैं तो इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, ये अजम्पशन है कि हर लॉ में ये होंगे, तो डिस्कशन ऊपर के दो के ऊपर होगा, ठीक है। सो आ जाइए, समझो सेफ्टी और बेनिफिट, ये मैं दो पैरामीटर्स खोलूं और मैं लॉ के चार डिफरेंट ड्राफ्ट्स बना रहा हूं, चार डिफरेंट ड्राफ्ट्स लॉ के, ठीक है, दो पैरामीटर्स पे, ड्राफ्ट वन, ड्राफ्ट टू, ड्राफ्ट थ्री, ड्राफ्ट फोर। समझो पहला मैंने लॉ का ड्राफ्ट बनाया जिसके अंदर कोई सेफ्टी ही नहीं है, सेफ्टी है ही नहीं, लॉ सेफ्टी के लिए बनाया नहीं गया और ना ही लॉ के अंदर बेनिफिट है, तो मुझे बताओ क्या ऐसी चीज लॉ बन सकती है? बोलो बोलो, बन सकती है, एवरीबॉडी, मैं देख रहा हूं सबको, येलो टी शर्ट, पिंक टॉप, ब्लैक टॉप, निकम्मो, बोलो, वेरी गुड। सो ऑब्वियसली लॉ बन नहीं सकता। दूसरा, लॉ टू में अगर सेफ्टी नहीं है सिर्फ बेनिफिट है, बेनिफिट मिल रहा है, सेफ्टी नहीं है, मतलब चोरी वोरी करके दूसरे को डैमेज करके बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि सेफ्टी तो नहीं है ना, तो क्या लॉ बन सकता है? नहीं, क्योंकि लॉ का प्राइमरी मकसद है सेफ्टी, सेफ्टी और सिर्फ सेफ्टी, बेनिफिट बाद में। तीसरा लॉ बनाया, सेफ्टी है बेनिफिट नहीं है, क्या लॉ बन सकता है? सोचो 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 सोचो, मेरे लिए भी सोचो, क्या लॉ बन सकता है? यस, ये लॉ बन सकता है। सर अगर ये लॉ बन सकता, देखो पहले दो तो लॉ नहीं है, पहले दो इसलिए इनके कोई एग्जांपल्स भी नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि बन ही नहीं सकते तो एग्जांपल कहां से आएगा। तीसरा वाला लॉ बन सकता है तो सर क्या इसका एग्जांपल है ना, पोटा, अभी अभी तो देखा था कसाब वाला, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002 वाला लॉ, इसमें सिर्फ सेफ्टी दिया जाता है, बेनिफिट नहीं दिया जाता। पोटा के अंदर सिर्फ टेररिज्म से सेफ्टी है, पोटा ऐसा नहीं बोलता कि हर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इंसान के पास, इंडियन सिटीजन के पास एक रिवॉल्वर रहेगी, लड़कियां रहेगी तो लड़कियों के पास एक AK-47 और 5 ग्रेनेड कि किसी ने छेड़ा सीटी मारी बूम, ये नहीं बोलता। ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी लॉ सिर्फ सेफ्टी के लिए बना है,
लॉ फोर सेफ्टी भी है बेनिफिट भी है, क्या लॉ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, यही तो लॉ बन सकता है, ये लास्ट वाली तो लॉ बन सकते हैं। अब अगर सर ऐसा लॉ बताओ जिसके अंदर बेनिफिट सेफ्टी दोनों है, सोचो कंपनीज एक्ट इज एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट इज एग्जाम्पल, GST इज एग्जाम्पल, क्योंकि यही पैसा आपको बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है, कंपनीज एक्ट में डिविडेंड के लिए यूज किया जाता है, सो है। अब प्रेफरेंस वाइज अगर मैं पूछूं कि कौन सी चीज प्रेफर करनी चाहिए, ड्राफ्ट वन, ड्राफ्ट टू, ड्राफ्ट थ्री, ड्राफ्ट फोर, तो प्रेफरेंस वाइज पहले आएगा ड्राफ्ट फोर, आप प्रेफर करना अगर बना सकते हो, नहीं बन सकता तो ड्राफ्ट थ्री तो भी होना चाहिए, बाकी दो तो लॉ ही नहीं बन सकते। कंसेप्चुअली क्लियर है कि क्लियर है क्या जिंदगी में, तो ये चीज को याद रखना, डायग्राम को ड्रॉ कर लो, कंटिन्यूअसली ड्रा करते रहना, गो फॉर इट फास्ट। डन, लिख लिया, अगर किसी का हो गया होगा तो पीछे लेके थोड़ा पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो ये हो गए फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, ऐसे फैक्टर्स जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगला सवाल उठता है, देखो तीन सवाल, दो सवाल हमने एंटरटेन किए, व्हाई लॉ इज प्रिपेयर्ड, क्या सिचुएशन है जिसके अंदर लॉ बनाया जाता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं तीसरे सवाल पे, थर्ड वन, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। सवाल है हाउ लॉ इज मेड, लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है। एनीवन सोचो, पहले दिमाग में आपने कुछ सुना है वगैरह एक्सेट्रा, थोड़ा बोलो, मैं थोड़ा टेलीपैथी से समझू थोड़ा कि क्या बोल रहे हो। हाँ, मेरे को एक सुनाई दे रहा है, हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, टेलीपैथी से आ रहा है मेरे पास, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, टेलीपैथी है, आप किधर से भी सोच रहे हो, मेरे को पहले ही पता चल रहा है, यू नो टाइम एंड स्पेस सब तोड़ फोड़ के मेरे को समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर लॉ बनता है पार्लियामेंट में, हाँ सर वो प्रेसिडेंट अप्रूवल करता है, कुछ लोग हाँ आ रहा है मेरे पास आ रहा है, हाँ कुछ सोच रहे प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, हाँ प्रेसिडेंट भी अप्रूव करता है सर, वो पार्लियामेंट सर लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा सही है एकदम जबरदस्त था, और ये छोड़ के ज्यादा नहीं सुना होगा, और ज्यादा सुना भी होगा तो थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत होगी।
सो चलो अभी पहले समझते हैं कि व्हाट इज लॉ एंड हाउ इट इज मेड. ठीक है, इसके लिए हमको थोड़ा पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा. सो प्लीज आ जाइए, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से. ओके, कैन यू सी द चार्ट? चार्ट दिख रहा है सबको? ओके, जानबूझ के चार्ट ड्रॉ करके रखा है, सो आपका समय भी बचे और समझे भी. लिखना नहीं है, नो राइटिंग व्हेन आई एम टीचिंग. किसी ने लिखा तो उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा, याद रखना. ठीक है सर, वो किधर भी जाए हमको क्या लेना देना, चुप. लिखना नहीं है, बस इतना याद रखना है आपने. ठीक है, लेट्स गो. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के हर लॉ का मदर एंड फादर, क्योंकि इन्हीं से पैदा होते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 244 में लॉ प्रिपेयर करने का पावर दिया है पार्लियामेंट को. किसको पावर दिया है? पार्लियामेंट. आर्टिकल नंबर 245 में पार्लियामेंट को पावर दिया है कि यू कैन प्रिपेयर द लॉ. और पार्लियामेंट पूछा कि हम कौन से टाइप के लॉ बना सकते हैं, तो इमीडिएटली बनाया गया आर्टिकल 246, जिसमें लिस्ट्स दी है कि इन लिस्ट्स में से आप लॉ बना सकते हो. कि आर्टिकल 245 में बना सकते हो 246 के हिसाब से, और 246 में लिस्ट्स दी है जो लिस्ट के फॉर्मेट शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो आर्टिकल 245 में बना सकते हैं, सज्जन मेरे पीछे बोलो, आर्टिकल 245 में बना सकते हैं, आर्टिकल नंबर 246 के हिसाब से बना सकते हैं जो 7th शेड्यूल में लिस्ट दी है. 245, 246, 7th शेड्यूल. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. 7th शेड्यूल में आपको तीन टाइप की लिस्ट्स दिखेगी बच्चों, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. अब ये यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट क्या है सर? यूनियन लिस्ट इज फेमस फॉर यूनियन लॉज. सर व्हाट इज यूनियन लॉ? ऐसे लॉज जो पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होते हैं एक जैसे, जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये इंडिया में एक जैसा अप्लीकेबल होता है विदाउट एनी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन. इंडिया के सभी लॉज इंडिया में जो पार्लियामेंट में पास होते हैं, मैक्सिमम 90% ऑफ देम आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. पहले जे एंड के साथ जम्मू एंड कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब तो भी नहीं होता, अब तो यूनियन टेरिटोरी है. सो ये लॉ पास किए जाएंगे और पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होंगे. लेकिन आपने शायद सुना होगा गुजरात में लिकर बैन है, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुटखा गायछा चूना, समझ में आ रहा है आपको? हाँ. सो गुजरात में लिकर बैन है, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बिहार में लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर बिहार में है लिकर बैन. अब क्या गुजरात में लिकर बैन होने की वजह से पूरे इंडिया में बैन हो गई? नहीं. महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने की वजह से क्या पूरे इंडिया में बैन हो गया? नहीं. बिहार में लिकर बैन होने की वजह से क्या पूरे इंडिया में बैन हो गई? नहीं. इसका मतलब कुछ लॉ स्टेट टेरिटोरीज तक ही एप्लीकेबल होते हैं. जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यूनियन लॉज, यूनियन ऑफ इंडिया के लॉज, इसलिए यूनियन लॉज. जो पूरे स्टेट में एप्लीकेबल होते, सिर्फ स्टेट में, स्टेट के ये कोने से वो कोने तक, महाराष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने तक गुटखा बैन, स्टेट लॉ. ठीक है, स्टेट लॉ. और कुछ लॉज होते हैं जो इंडिया में अलग से लगते हैं, स्टेट में अलग से लगते हैं, अपने अपने डिस्क्रिप्शन से. जीएसटी, गुड नाइट फिट ड्रीम टेक केयर, फटके मारूंगा गुड नाइट फिट ड्रीम टेक केयर बोला तो, बाबू सोना पिकाचू नहीं चल रहा है यहां पे. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, आपने देखा होगा होटल में खाना खाने जाते हो, 2.5% सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, 2.5% स्टेट जीएसटी. क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट में अलग अलग लगता है. इन दोनों के टैक्स रेट अलग अलग भी हो सकते हैं अगर स्टेट चाहे तो और सेंटर चाहे तो. तो ये लॉ सेंटर और स्टेट के वेरिएबल वेज में लग सकता है, उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लॉ. कौन सा लॉ? कॉन्करेंट. यूनियन लॉज के एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961. स्टेट लॉज, गुटखा बैन, लिकर बैन, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉ स्टेट लॉ होते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप फ्लैट में रहते हो, फ्लैट स्कीम है, फ्लैट स्कीम जिस सोसाइटी की है,
देखना आपके फ्लैट्स की में जिसमें आप रह रहे होंगे वो सहा सोसाइटी होगी, वो सोसाइटी जिस लॉ में गवर्न होती है दैट इज अ सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, सिर्फ स्टेट में लगता है। और कॉन्करेंट लॉ, कॉन्करेंट लॉ सच एज जीएसटी, आपको पता है यूनियन लॉ और कॉन्करेंट लॉ, यूनियन एंड कॉन्करेंट, ये हमको सेंट्रल प्रोसेस से पास करने पड़ते हैं दैट इज पार्लियामेंट। जो स्टेट लॉ है गुटखा बैन लिकर बैन, ये हम स्टेट प्रोसेस से पास करते हैं जो होती है स्टेट लेजिस्लेचर। सो हाउ टू पास अ लॉ से पहले तो ये समझो कि कितने टाइप के लॉज होते हैं, इतने टाइप के एटलीस्ट तीन लॉ होते हैं। सर आपने क्या लिख के रखा है 97, 66, 47, सेवंथ शेड्यूल में जहां पे इन लॉज के फॉर्मेट दिए हैं उन सभी फॉर्मेट के अंदर यूनियन लिस्ट में सिर्फ 97 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट है जिन्हें हम एंट्रीज बोलते हैं, कि 97 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लॉ प्रिपेयर किया जा सकता है। 97 सब्जेक्ट्स पे आप लॉ प्रिपेयर कर सकते हो यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में 66 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम लॉ प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लॉ प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे शायद आपको नहीं पता यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 43, सब्जेक्ट नंबर 43 एंड सब्जेक्ट नंबर 44, विषय सब्जेक्ट नंबर 43-44, एंट्री नंबर 43-44 में हमने कंपनीज एक्ट 2013 स्थापित किया है। हाथी कंकड़ को आरसीक्यू देखना है तो पूरा ही देख लो, लेट्स गो, आइए दिखाई देते। नॉर्मली ये चीज मैं सीए इंटर में दिखाता हूं बच्चों को क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, पर मेरे को ये लगता है कि सीए फाइनल के बच्चों को भी इतना है नहीं, शायद यूनियन स्टेट और कॉन्करेंटली जिंदगी में तुमने कभी देखी ही नहीं होगी, क्वाइट अ चांसेस। सी दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेवंथ शेड्यूल मैंने बोला था आर्टिकल नंबर 246 के हिसाब से, सी दिस कुछ ही झूठ नहीं बोला, एक हर एक चीज सच्ची मुच्ची। आर्टिकल नंबर 246 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल नंबर 7 लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, और इसमें वो तमाम लॉज है जो आप इंडिया के लिए बना सकते हो। पहले डिफेंस लॉज, क्योंकि मैंने बोला था सेफ्टी फर्स्ट, देखो पहली एंट्री सब पहले सब्जेक्ट डिफेंस के, सब डिफेंस, नेवल डिप्लॉयमेंट, डिलिमिटेशन, सब डिफेंस वाले, आर्म फोर्सेस के सभी, एटॉमिक एनर्जी, सब डिफेंस से धीरे 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 बेनिफिट पे आएंगे, सेफ्टी से लेके बेनिफिट के ऊपर सब्जेक्ट चेंज होंगे, देखना धीरे 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 धीरे। और तो इसके नंबर ऑफ एंट्रीज 97th एंट्रीज, मैंने 43-44 बोला था ना कंपनीज एक्ट का, सीधे ये भी देख लो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, 43-44 कंपनीज एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कंपनीज एक्ट क्यों मानना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 43-44 में लिखता है कि आपने कंपनीज बना सकते हैं। देखो इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अलग है। इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशन, ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट बट नॉट इंक्लूडेड यूनिवर्सिटीज, बैंकिंग कंपनीज के लिए स्पेसिफिक बैंकिंग का 45 नंबर का सब्जेक्ट दिया है, आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 46 नंबर के सब्जेक्ट में कवर किया है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये 47 नंबर के, स्टॉक मार्केट सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हमारे सब्जेक्ट में है 48 नंबर के एंट्री में कवर किया है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स 49 नंबर के सब्जेक्ट में कवर किया है। ये यूनियन लिस्ट है पूरे इंडिया के अप्लीकेबल लॉज, और मैंने बोला था 97 एंट्रीज है, गौर फरमाना जरा 97 पे ही रुकेगा ये, देखो 97 एंट्रीज 97 नंबर, और धीरे धीरे बेनिफिट की तरफ मूव हो गए धीरे धीरे। देखो टैक्सेस जहां बेनिफिट वाले लॉज है वो थोड़े एंड डेट में आ रहे हैं, टैक्सेस सब बेनिफिट वाले होते हैं, उसमें भी 92A 92B अलग अलग एंट्रीज ऐड की है। फिर स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में मैंने आपको बोला था 67 एंट्रीज तक के हम जाएंगे अलग अलग स्टेट के हिसाब से, 66 एंट्रीज तक के, देखो 66 एंट्रीज। और फिर कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें हम 47 एंट्रीज बोल रहे थे, एग्जैक्टली 47 एंट्रीज, ये है लिस्ट। सॉरी ये लिस्ट हम कहां से लें, गूगल पे डाल के देखो सेवन शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन लिस्ट, इमीडिएटली आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो इसके बाद सर आप इतना सारा तामझाम क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसके बाद हम जो 9 लॉज पढ़ने वाले हैं हम हर एक लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे। कंपनीज एक्ट का मैंने बोल दिया, बाकी सबका आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है। एवरी लॉ, हर लॉ शुरू करने के पहले मैं होमवर्क दूंगा कि मेरे को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताओ कि ये लॉ कौन से सब्जेक्ट में बनाया है, कौन से लिस्ट में, एंड इट इज योर ड्यूटी टू टेल मी, क्योंकि हम विद्यार्थी है, विद्या चाहिए, विद्या चाहिए मतलब निकम्मे नलायको, विद्या चाहिए मतलब ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, गन्ना मत सोचो हराम करो, ये चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट। सो मैं चाहूंगा पहले आप इस चीज को लिख के रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस तो बाद में, पहले लॉ के टाइप समझिए जिंदगी में, ठीक है। सो इसको लिखिए, गो फॉर इट फास्ट।
हेलो 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 अगर आपका रुकता है तो बेटा पॉज करके आप लिख सकते हो कभी भी, अगर आपको लगता है मैं ड्रैग ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि अंदाज़ा आना मुश्किल है। श्योर, डन एवरीबॉडी। चलो समझ में आया। सो पहला रिक्वायरमेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया कि आपको यह समझ में आया कि लॉ होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं। सो एक बार मुझे वापस बताइए कितने टाइप के लॉ होते हैं बच्चों। तीन, सबसे पहला स्टेट, दूसरा कौन सा, पहला यूनियन, दूसरा स्टेट, तीसरा कौन सा, कॉन्करेंट। यूनियन और कॉन्करेंट लॉ हम एक ही प्रोसेस से पास करते हैं जो होती है सेंट्रल प्रोसेस। स्टेट लॉ सिर्फ स्टेट प्रोसेस से पास होगा। अब बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं टेक्निकली पॉलिटिकली लॉ बनाने के हिसाब से, एंड एवरी सिंगल एंगल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर आपको इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी समझ में आएगा और इंडिया का लॉ बनाने का प्रोसीजर भी समझ में आएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल मिस आउट समथिंग। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। सो हाउ टू मेक अ लॉ इन इंडिया डिवाइड किया है दो प्रोसेस में। एक प्रोसेस है सेंट्रल प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं स्टेट प्रोसेस। एक है सेंट्रल प्रोसेस, दूसरा है स्टेट प्रोसेस। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना तो जाके समझ में आएगा।
सेंट्रल प्रोसेस में हम दो टाइप के लॉज पास करते हैं, यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड सॉरी कॉन्करेंट, और स्टेट प्रोसेस में हम लॉ पास करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेट लॉ। अब ये दोनों प्रोसेस में पैरेलल ले रहा हूं क्योंकि आपको कंपैरिजन वाइज समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम किसी भी लॉ को बनाने के पहले लॉ का ड्राफ्ट रेडी होना जरूरी है। तुम्हारा लॉ का ड्राफ्ट रेडी नहीं है, तुम बोल रहे हो लॉ पास करना चाहते हो, कैसे होगा, ऐसा कैसा चलेगा दीदी, ठीक है। सो पहले लॉ का ड्राफ्ट बनाओ बेटा। लॉ का ड्राफ्ट बनाना बड़ा जरूरी है बिकॉज बिना लॉ का ड्राफ्ट बनाए यू कैनॉट पास द लॉ, इट इज इम्पॉसिबल। सो फर्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है ड्राफ्टिंग। सवाल उठता है सर ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन कैन डू द ड्राफ्टिंग। सर आप कर सकते हो? हाँ बेटा। सर मैं कर सकता हूं? बिल्कुल हाँ बेटा। सर मेरे घर वाले? हाँ बेटा। सर हम फ्रेंड्स लोग? हाँ बेटा। लेकिन हम ड्राफ्ट करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पावर भी तो नेसेसरी होना है ना। आपको पता है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया था अरविंद केजरीवाल जी ने, अभी जो CM है दिल्ली के, उन्होंने बनाया था। और प्लीज इसको बड़े अच्छे से याद रखना, तब वो कुछ नहीं थे, थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर प्रेशर कर सकते थे बट ही वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स एट ऑल। लोकपाल बिल, लोकपाल बिल सुना है? लोकपाल बिल जिसके लिए अण्णा हजारे ने अनशन किया था, वो भी अरविंद केजरीवाल ने बनाया है जब उनके पास इतना पॉलिटिकल पावर नहीं था तब। फिर बिल बनाने के बाद तो अन्ना हजारे ने अनशन किया ना। फिर दूसरा इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर? सर पार्लियामेंट मतलब वहां जो लोग झगड़े वगड़े करते हैं, मारापीटी करते हैं, माइक वाइक फेंक के मारते हैं, चेयर वेयर फेंक के मारते हैं, दंगे फसाद करना शुरू कर देते हैं, ऐसे। पार्लियामेंट मतलब वही इंस्टीट्यूशन जहां लोग नोकटों के बंडल निकाल के दिखाते हैं ऐसे, और बोलते हैं कि घूस लिया या घूस दिया, ब्राइबरी के एलिगेशन लगाते हैं, वही जगह जहां पप्पू सोता है, बहुत सारे लोग सोते हैं, मैं तो पप्पू जी फेवरेट है अपने थोड़े से इसलिए। चाहिए पार्लियामेंट वही जहां लोग मोबाइल के ऊपर कैसी कैसी चीजें देखते हैं, छी 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 शिव 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 शिव। पार्लियामेंट वही जगह जहां लोग अगर हम बोले क्या बोले, बोलने लायक ही कुछ बचा नहीं, ऐसी हरकतें करते हैं। सो पार्लियामेंट है, अनफॉर्चुनेटली वी आर रूल्ड बाय दीज पीपल। तो पार्लियामेंट बताऊंगा पार्लियामेंट मतलब क्या, फिलहाल इसको समझिए। पार्लियामेंट के अंदर ये प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर इसका फर्स्ट रीडिंग होता है बेटा, लॉ का फर्स्ट रीडिंग होता है। फिर इसके ऊपर पब्लिक के इनपुट्स लिए जाते हैं, पब्लिक के इनपुट्स मतलब पब्लिक बोलती है, पार्लियामेंट की पब्लिक बोलती है कि भाई ये होना चाहिए, पर पब्लिक तो कुछ भी इनपुट दे सकती है। पब्लिक ये भी बोल सकती है लॉ निकाला तुमने, बोले कंपनीज एक्ट अमेंड करना है, पब्लिक लिख के भेजेगी सोनम गुप्ता बेवफा है, तो ये भी तो गलत है। तो इन चीजों को फिल्टर करने के लिए यू रिक्वायर कमिटीज, कि ये सब इनपुट्स को फिल्टर करके कौन से काम के लेके इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर कमिटीज, और इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज। कोई भी लॉ बनाने के लिए स्टैंडिंग कमिटी लगती है। अभी इंस्टीट्यूट का वो आर्टिकल हम चेंज कर रहे थे रीचेकिंग का, उसके लिए कमिटी बनाई ना, हायर लेवल कमिटी जो कुछ नहीं कर रही जिंदगी के अंदर। सो कमिटीज बनाई जाती है। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 क्रिएट करने के लिए तीन कमिटीज का गठन किया गया था, थ्री कमिटीज, ये मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि ये स्पेस की मेरे को जरूरत है। कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए तीन कमिटीज का गठन किया था। पहली कमिटी थी सर जे ईरानी कमिटी। जे ईरानी इज अ गुड बिजनेस टाइकून, टाटास के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा। दूसरी कमिटी जो थी दैट इज अ नारायण मूर्ति कमिटी, यू ऑलरेडी नो हिम, इंफोसिस के प्रमोटर नारायण मूर्ति जी, क्लियर है। और तीसरी कमिटी इज अ कुमार मंगलम बिरला कमिटी, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन इनकी कमेटी थी। आपको बताया सुनना, कुमार मंगलम बिरला इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाउ? आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है वो, उनके फादर थे पहले चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने कुमार मंगलम बिरला से CA करवाया। कैन यू इमेजिन अभी कितने अच्छे से ग्रुप संभाल रहे। सो कुमार मंगलम बिरला, तीन कमिटीज बनाई गई थी, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग कमिटी। क्लियर है सब सबको? सो पहली चीज जो हम लॉ में करते हैं, सब जन रिपीट करो एक बार, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग। इधर भी ड्राफ्टिंग, यहां हम स्टेट बिल का ड्राफ्टिंग करते हैं, यहां हम यूनियन और कॉन्करेंट बिल का ड्राफ्टिंग करते हैं, यूनियन एंड कॉन्करेंट।
दूसरी चीज हम क्या करते हैं लॉ बनाते वक्त, तो वी इंट्रोड्यूस टू द पार्लियामेंट। तीस यहां स्टेट लेजिस्लेचर, फिर रीडिंग इन द पार्लियामेंट, यहां रीडिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर, फिर यहां इनपुट फ्रॉम पब्लिक ऑफ इंडिया, यहां इनपुट फ्रॉम पब्लिक ऑफ स्टेट, ये स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इंडिया, ये स्टैंडिंग कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन सीजी वगैरह की तरफ से किया जाएगा बाय सीजी, ये स्टैंडिंग कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बाय एसजी स्टेट गवर्नमेंट। इधर वाली स्टैंडिंग कमिटी लिखने के लिए मैं समय दूंगा, डोंट वरी, आपने फिलहाल नहीं लिखना है। स्टैंडिंग कमिटी बाय एसजी स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है। फिर एक बार स्टैंडिंग कमिटी ने इसको अप्रूव कर दिया तो फिर ये जाता है डिस्कशन एंड अप्रूवल एट बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस मतलब दोनों हाउसेस आएंगे, पहले से पार्लियामेंट था, दो हाउसेस में डिवाइड होगा, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर ये लोकसभा राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है? सिंपल है मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, जो मोदी सरकार आपने चुनी है 2014 में और 2019 में, उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, जो है पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आपने देखा होगा मोदी जी लोकसभा में बैठे हैं, समझ में आ रहा है? जो 2014 और 2019 में आपने सरकार चुनी वो लोकसभा और राज्यसभा की है। लेकिन महाराष्ट्र में 2015 में हमने देवेंद्र फडणवीस की सरकार चुनी थी और अब भी 2019-2020 में हमने उद्धव ठाकरे जी की सरकार चुनी है। देखो सिंपल है, सरकार चाहे कोई भी हो, एक बार इलेक्ट हो गई ना तो उसको सपोर्ट करना, सिंपल सी बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को भी अपना उतना ही सपोर्ट है, उद्धव ठाकरे जी को भी अपना उतना ही सपोर्ट है। यहां मनमोहन सिंह जी को अपना उतना ही सपोर्ट था और नरेंद्र मोदी जी को भी अपना सेम ही सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये राज्य सरकार महाराष्ट्र के लिए, आपके स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। तो चीफ मिनिस्टर बैठता है स्टेट लेजिस्लेचर में, प्राइम मिनिस्टर बैठता है पार्लियामेंट में। ये डिफरेंस बड़े ही अच्छे से याद रखना। सो यहां पे उसमें भी अगर मैं बोलूं आगे तो पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। अब मैं इन हाउसेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिकली आपको समझ में आना चाहिए लॉ कैसे पास होता है। अगर पॉलिटिकली ही लॉ समझ में नहीं आया, पास ही कैसे होता है? देखो लॉ पास कैसे होता है इसलिए पॉलिटिक्स समझना जरूरी है, पॉलिटिक्स समझने के लिए पार्टी समझना जरूरी है, इसलिए थोड़ा डिस्कशन डिटेल में जाएगा, गौर फरमाते रहना, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सो यहां मैं नाम लिखता हूं लोकसभा, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर है ये, हाउस ऑफ पीपल इंडिया की जनता का घर है। राज्यसभा ये है हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, क्योंकि ये हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में राज्यों के अपॉइंट किए हुए गटनायक बैठते हैं, राज्यों के अपॉइंट किए, कैसे आई विल टेल यू, जस्ट वेट फॉर इट। ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझोगे तो लॉ कैसे पास होता है जरूर समझोगे, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, क्लियर है कांसेप्ट। जिसमें लोकसभा को बुलाता है लोअर हाउस और राज्यसभा को बुलाता है अपर हाउस, क्योंकि राज्यसभा में लोअर हाउस, लोकसभा में लॉ पास होने के बाद राज्यसभा में अप्रूवल के लिए आता है तो वो अपर है, लोअर हाउस इज लोकसभा, क्लियर है कांसेप्ट सबको, हाँ है ना। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बैठते हैं 545 मेंबर्स, कितने मेंबर्स बैठते हैं 545 लोगों को आपने चुना है, जिसमें से स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आपको बनानी है। स्पष्ट बहुमत वाली सरकार मतलब स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहिए तो 273 सीट्स आपको एक ही पक्ष की आनी चाहिए। बीजेपी की 2019 के इलेक्शन में 215 से ज्यादा सीट सिर्फ सिंगल पार्टी की आई थी, बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज जो एनडीए था उनको 250 के आसपास सीट आई थी 545 में से, आपको 272 चाहिए एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के लिए। क्योंकि अगर आपकी मेजॉरिटी 273 मेजॉरिटी हो गया ना, मेजॉरिटी सीट्स अगर आपकी है 272-273 ये माना जाता है नॉर्मली, मेजॉरिटी सीट्स अगर आपकी है, क्योंकि ये 273 इसलिए माना जाता है क्योंकि
एंग्लो इंडियंस वगैरह की भी दो सीट्स होती है, तो उसको हम एस्केप करेंगे, 272 माना जाता है, लेट्स टेक। क्योंकि अगर मेजोरिटी सीट्स आपकी है तो ऐसे सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से लॉ पास कर सकते हो, क्योंकि कोई भी लॉ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाला लॉ छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छोड़ के, हर लॉ मेजोरिटी अप्रूवल से ही पास होता है। इसलिए स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, जिसके अंदर हमारे यहां दो मेजर पार्टीज है, एक है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी प्लस अलाइड पार्टी, जिनकी फिलहाल सरकार चल रही है। एक और अलायंस है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, मतलब कांग्रेस पार्टी और साथ साथ में, अगर आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी साथ साथ में अलाइड पार्टी, जैसे इस बार का महाराष्ट्र का इलेक्शन काफी हॉट टॉपिक था, मुख्यमंत्री चूज नहीं करते आ रहा था, तीन दिन के लिए एक आदमी मुख्यमंत्री बना, इमीडिएटली चेंज हो गया, दूसरा मुख्यमंत्री आया, जो मेजोरिटी विनिंग पार्टी थी, बहुत रेयर केस है, जो मेजोरिटी विनिंग पार्टी थी महाराष्ट्र में उनका मुख्यमंत्री नहीं था, और जो छोटी छोटी पार्टी चुनके सब इकट्ठा हो गई और मेजोरिटी विनिंग पार्टी के खिलाफ सरकार बना ली उन्होंने, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री चूज किए गए उसके लिए। तो ये चीज समझना जरूरी है, पॉलिटिक्स से भैया बड़ी ताकतवर चीज है। सो एनडीए बीजेपी सरकार की इस बार 350 के आसपास सीटें आई थी, जो 272 से ज्यादा है। इसलिए आपने देखना पार्लियामेंट का सबसे प्रोडक्टिव सेशन इस बार हुआ था 2019 में, पहला सेशन इलेक्शन के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने 120% 125% प्रोडक्टिविटी के ऊपर लॉ पास किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो दो डेढ़ महीने के पीरियड के अंदर उन्होंने 110 से 112 लॉस पास किए और अमेंडमेंट्स पास किए, और ये आज तक की हिस्ट्री में 70 सालों में कभी नहीं हुआ है। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि 350 लोग आप ही के हैं। आप पार्लियामेंट का कभी देखना, लोकल हाउस ऑफ पीपल का, ये 300 मतलब आधे से ज्यादा जो कवरेज जो बीजेपी लेके बैठा है एक साइड में, और फिर बचे हुए इसमें सभी सब पार्टीज आ रही है। दिस हैपेंस, और इस वजह से लॉ पास करना आसान होता है, बिकॉज किसी भी लॉ को पास करने के लिए आपको 545 में से 272 ही वोट चाहिए। एंग्लो इंडियंस के दो वोट तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको, तो ये चीज को आपको समझना बड़ा जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? तो ये चीज को याद रखना, 272, और जो लोकसभा में ये 272 545 लोग बैठे हैं, हम इनको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम खासदार भी कहते हैं, खासदार, फिर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिर हम आते हैं हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल पे। हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स के ऊपर बोला जाता है मैक्सिमम हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स अलाउड आर 250, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कई सिचुएशन में, लेकिन प्रेजेंटली जितने हैं प्रेजेंट वो है 245 में से आपको अगर लॉ पास करना है तो 123 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके होने चाहिए, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स 123 होने चाहिए। पहले मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट किए उन्होंने अप्रूव किया, मतलब पंत प्रधान वाली सरकार ने, फिर जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है, सर ये स्टेट के 245 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन चूज करता है? ये 245 रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करता है एमएलए। सर एमएलए कौन है? एमएलए बैठता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए यहां बैठता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें एमएलए बैठता है बेटा। मतलब ये एमएलए अल्टीमेटली ही विल चूज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, लेकिन 245 पूरे चूज नहीं करता, 245 में से 233 एमएलए चूज करता है, 233 12 मेंबर्स ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, हॉबीज के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट नो, सचिन तेंदुलकर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी माय मिस्टेक, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। जावेद अख्तर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। विजय माल्या, यस विजय माल्या, टू योर एंड माय शॉक, विजय माल्या वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जिस पावर का उसने यूज किया राज्यसभा में, और उसने एयर इंडिया और इंडिया एयरलाइंस के पीक टाइमिंग्स चेंज किए थे। आपको पता है इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया प्रॉफिट में थे जब पीक टाइम पे चलते थे। फॉर एग्जांपल, मुझे पुणे से दिल्ली जाना है तो एयर इंडिया की सब फ्लाइट्स पहले मॉर्निंग और इवनिंग होती थी। मुझे पुणे से दिल्ली जाना है, काम करके वापस आना है, मैं मॉर्निंग फ्लाइट लूंगा, मैं इवनिंग फ्लाइट लूंगा, काम करके वापस आ जाऊंगा। आपको पता है विजय माल्या ने सब ये एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन, चलने वाले एयरलाइन के फ्लाइट टाइमिंग दोपहर को और आधी रात को कर दिए, जब कोई जाता ना आता है, समझ में आ रहा है। और किंगफिशर के पीक टाइमिंग टाइम लगा दिए, तो किंगफिशर डूबा क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रहा था कंसेप्ट वर्जिन एयरलाइंस का। रिचर्ड ब्रांसन, अगर आपने शायद सुना होगा, तो वो वर्जिन एयरलाइंस, आपने देखा विजय माल्या इज समवॉट लाइक रिचर्ड ब्रांसन, उसका थोड़ा सा छुराया हुआ एलिमेंट लगता है, और उसने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन ही डिडंट अंडरस्टैंड। ब्रांसन का वर्जिन एयरलाइन यूएस में चलता है, महंगा भी चलता है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है। 130 करोड़ की जनता में
कोई पेइंग कैपेसिटी नहीं, और यहां सबसे सस्ता लेबर है, तो लोग बोलते हैं डेढ़ घंटे की फ्लाइट के लिए मैं 6,000-7,000 रुपए नहीं दूंगा सिर्फ एयर हॉस्टेस को देखने के लिए। किंगफिशर की एयर हॉस्टेस अच्छी होती थी, फिर उसको देखने के लिए मैं 6,000-7,000 थोड़ी दूंगा, मैं तो एफसी रोड पे घूमूंगा। हम तो अदक हरियाली वाले एफसी रोड अदक एरिया वाले एरिया में घूमेंगे। सो ये पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, अल्टीमेटली किंगफिशर ड्रॉप हो गया। तो ये लोग भी राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ये लोग भी, विजय माल्या वगैरह भी। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चूज करता है, 233 मेंबर्स एमएलए चूज करते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। उसमें से 123 लोगों ने लॉ के लिए हाँ बोलना चाहिए, हम इन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, एमएससी, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, एमएससी, क्लियर है? सो राज्यसभा का मेंबर हम इनको कहते हैं। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर। नो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हम कहते हैं विधानसभा। राज्य सरकार अगर में जाए, हम राज्य सरकार में, विधानसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे हम कहते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, विधान परिषद में आपके कॉरपोरेटर्स, नगर सेवक, मुखिया, गांव के मुखिया, पंचायत राज वाले सब वहीं बैठते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो एमएलए, और इनको हम कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? सो एमपी, एमएससी, एमएलए और एमएलसी, ये चार टर्म्स आपने याद रखने। कभी आपने गौर किया कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं ना, सबका कॉन्सेंट्रेशन उत्तर प्रदेश पर रहता है। क्यों रहता है उत्तर प्रदेश पे कॉन्सेंट्रेशन? ऐसे क्या खास बात है उत्तर प्रदेश में? मैं आपको कुछ फैक्ट्स बोलना चाहूंगा। इंडिया में 5-4-5 मेंबर्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, तो चार राज्य के ऊपर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अगर ये चार राज्यों में आप जीत गए, तो इंडिया में गवर्नमेंट आपकी बनना तय है। कौन सा? सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 80, 545 में से 80 सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उसके बाद में दूसरा राज्य जहां सबसे ज्यादा सीट्स कवर की जाती है, अगर आप देखो तो आ जाइए इधर, 40 सीट्स, बिहार। समझ में आ रहा है? उसके डिवीजन के हिसाब से डाइल्यूट भी हो सकती है, पर 40 सीट्स उस एरिया की है। महाराष्ट्र 48 सीट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र में बहुत है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। और उसके बाद में वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, ममता दीदी, ममता दीदी ऐसा से कैसा चलेगा दीदी, तो 42 सीट्स। ये चार राष्ट्र ऐसे बोले जाते हैं, अगर आप ये चार जगह पे इलेक्शन जीत गए, तो 99.99% केस में आप ही की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी, ऐसा माना जाता है। कंसेप्शन, इसलिए आप देखना मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं, अमित शाह जी ठिया मांड के उत्तर प्रदेश में बैठे रहते। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीट्स लेके आता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। फिर आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। सो स्पष्ट क्यों ऐसा कहा जाता है? स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, 272 से ज्यादा एमपी आपके अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो आपको लॉ पास करना काफी आसान होगा, क्योंकि लॉ पास करने के लिए 272 वोट्स ही लगते हैं। Are you understanding? ये चीज को याद रखना। अगला, अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट। एक बार आपका लॉ पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। कौन है प्रेसिडेंट इंडिया का? मेरे देश के आजाद नागरिकों, नलायक लोगों, कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट? शाबाश, रामनाथ कोविंद, ठीक है? तो आप प्राइम मिनिस्टर जेल में गए हो और आपके दामन पे दाग है, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट के दामन पे दाग नहीं होता। एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभाताई पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, कोई भी देख लो, इनके दामन पे कोई दाग नहीं। इनको आज तक के शो कॉज नोटिस भी इशू नहीं की है। आपको प्रेसिडेंट बनना है, क्लीन कैरेक्टर चाहिए भैया, क्लीन कैरेक्टर, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन अटमोस्ट चाहिए, मैन ऑफ रिप्यूट, इंटीग्रिटी चाहिए, तो प्रेसिडेंट बन सकते हो आप। प्राइम मिनिस्टर जेल में जाने के बाद भी बन सकते हो, मर्डर करने के बाद भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, प्रेसिडेंट नहीं। क्लियर? सो प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री के साथ एक सब्जेक्ट आता था बचपन में, सिविक्स, ये पूरा सिविक्स ही बोल रहा हूं मैं, नागरिक शास्त्र, अगर आप उसको पढ़ते तो ये चीजें ऑलरेडी आपको याद आती थी। और उसके अंदर लिखा एक लाइन आपको शायद याद होगा आज भी, इंडिया के पहले नागरिक को हम राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्र का पति। सो हर लॉ पढ़ने का पहला हक उसका, प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, ठीक है,
गौशाली महाराष्ट्र के केस में है ना, ये सुनो। सो गवर्नर हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ने अप्रूव कर दिया, इनके पास भी वेटो पावर होता है। आपको पता है किसी भी लॉ को प्रेसिडेंट और गवर्नर को वन टाइम रिजेक्शन का पावर होता है। वन टाइम रिजेक्शन मतलब प्रेसिडेंट को लॉ पसंद नहीं आया तो लॉ को रिजेक्ट कर सकता है, बट विद रीजन। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को ये लॉ बिल्कुल बेच दिया है, आप फूल लेके जाओ ना। आपने लॉ को रिजेक्ट करना है, साथ में रीजन लिख के देना है कि क्यों आप इस लॉ को रिजेक्ट कर रहे हो। फिर ये लॉ वापस पार्लियामेंट में जाएगा, वापस स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, फिल्टर होकर पार्लियामेंट में पास होगा, पार्लियामेंट से स्टेट लेजिस्लेचर में पास होगा, फिर जब ये लॉ नीचे आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में पास होगा, फिर नीचे आएगा, फिर प्रेसिडेंट भले ही इसके दिए हुए सजेशन को इंप्लीमेंट किया हो या ना किया हो, प्रेसिडेंट इस लॉ को रिजेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। भले ही उसका जो अमेंडमेंट दिया था ना उसने कि इस रीजन को जैसे रिजेक्ट किया है, वो रीजन भले ही इन्होंने इंप्लीमेंट किया हो या ना किया हो, प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव हाँ बोल रहे, तो एक आदमी के ना बोलने से पूरा लॉ डिस्कार्ड नहीं होगा। ये चीज को आपने याद रखना। सो वेटो पावर, इस पावर को हम कहते हैं प्रेसिडेंट का वेटो पावर। कौन सा पावर? वेटो पावर। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। फिर ये लॉ जाता है ऑफिशियल गजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 35 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 28 मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। एक से ज्यादा मिनिस्टर, एक मिनिस्टर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी ले सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन होल्ड कर रहा है? दीदी। कौन दीदी? ममता दीदी नहीं, हमारी फाइनेंस वाली कौन है? कौन है? निर्मला सीतारामन जी मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेयरमैन भी वही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेयरमैन भी वही है, एक बंदा ज्यादा ज्यादा। सो 28 मिनिस्टर, 35 मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं, जिसमें से अगर हम कंपनीज एक्ट पास कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो तीन चीजें डिक्लेयर करता है, डेट एरिया एंड सेक्शन। डेट एरिया एंड सेक्शन, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शन अप्लीकेबल होना शुरू होगा, यह डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट का वेटो पावर में। जरा इधर लिखता हूं, आई नीड स्पेस। वेटो पावर, डेट एरिया सेक्शन। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 12 सितंबर 2013 से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट शुरू होना, ये इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो इंप्लीमेंट किए गए थे 87 सेक्शंस के साथ इंप्लीमेंट हुआ। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। 45 सेक्शन उस वक्त सीए फाइनल पे आए थे, 53 सेक्शन सीए इंटर पे आए थे। ये चीज को आपने याद रखना। ये है लॉ पास करने का प्रोसेस। सेम आप जाओगे तो गवर्नर के पास आपको जाना पड़ेगा, गवर्नर के पास भी वेटो पावर है, गवर्नर के पास भी वेटो पावर है, समझ में आ रहा है। और स्टेट लेजिस्लेचर में भी ऑफिशियल गजेट होता है, महाराष्ट्र शासन राज्य पत्र, आपके स्टेट का भी ऐसा ही होगा, जिसके अंदर डेट एरिया एंड सेक्शन डिसाइड किए जाते हैं, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शन अप्लाई होंगे। इंडिया का कोई भी लॉ हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, कंपनीज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, फेमा, सेबी, सिकरा, कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईडीएस, सरफेसिया, मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमैन कंपेंसेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, एनी गॉडडैम लॉ, इट शुड गो टू दिस एंड दिस प्रोसेस ओनली। ये छोड़ के इंडिया में कोई प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू लॉ पास किया जा सकता है। कंसेप्ट समझ में आया? आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं चाहूंगा अभी इसको लिखना है, रेगुलरली लिखना है। पहले 30 पेजेस जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहने, नेक्स्ट उन पेजेस के ऊपर लिखना है जहां आप लिख रहे थे पिछले कंसेप्ट्स। सिर्फ नया पेज लो, एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि सेंटर और स्टेट आपको पैरेलली लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सो जस्ट गो फॉर इट। मैं पीछे स्लाइड को चेंज करता हूं, आप धीरे धीरे लिखते आना, ठीक है? पहले यहां से शुरू करना, सेंट्रल प्रोसेस स्टेट प्रोसेस से। गो फॉर इट फास्ट।
चलो ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। किसी का रह गया तो पॉज करके देखिए बेटा, अंदाजा आना थोड़ा मुश्किल है, इसको लिख लीजिए पहले पूरा। हेलो, अगली चीज के ऊपर जा रहा हूं। किसी का अगर रह गया है तो पॉज करके लिखना बेटा, रिवर्स फॉरवर्ड करके थोड़ा।
चलो डन, आगे से हर एक का लिखना हो गया होगा। अगर आपका लिखना नहीं हुआ है बेटा तो प्लीज पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलो सो यहां लॉ पास करने का प्रोसेस खत्म हुआ। जो मुझे इंपॉर्टेंट लॉ प्रोसीजर्स बोलना था कि किस तरीके से लॉ पास होता है वो, एक चीज मैं यहां पे आपको एडिशनली बोलना चाहूंगा इस प्रोसेस में। कई बार लॉ अर्जेंसी में आता है, इमरजेंसी में, तो उस केस में हम लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन लेते हैं। ज्वाइंट सेशन मतलब दोनों हाउसेज एक साथ बैठेंगे नलायक लोग। सो ज्वाइंट सेशन लेते हैं जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के भी लॉज पास करते हैं। इंडिया में ऐसे सिर्फ 3 लॉज है जो ज्वाइंट सेशन में पास हुए हैं, हालांकि 2 ही पास हुए हैं, एक तो पुट किया था लॉस्ट हो गया। सबसे पहला हमारा डाउरी प्रोहिबिशन जो मैंने 1961 वाला बोला था, वो उसको प्रेजेंट किया था 1960 में, इसलिए यहां पे 1960 लिखा हुआ है। बैंकिंग सर्विसेज रेगुलेशन कमीशन बिल ये पास नहीं हुआ, इसलिए नाम बिल लिखा है, क्योंकि लॉ पास होने के पहले बिल बोला था, बाद में लॉ बनता है। जैसे कंपनीज बिल 2012 व्हेन पास्ड बिकम कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज बिल 2012 बिकम कंपनीज एक्ट 2013 आफ्टर बीइंग पास्ड, और आखिरी में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये 3 ही ऐसे लॉज है जो ज्वाइंट सेशन में कवरअप किए हैं। कंसेप्ट समझ में आए? वेटो पावर ये हमेशा प्रेसिडेंट को होता है। प्रेसिडेंट हर बिल को टेस्ट कर सकता है एक्सेप्ट फॉर मॉनेटरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा प्रेसिडेंट हो जाएगा, विच इज नॉट राइट। तो ये चीज को आपने समझना जरूरी है। आप चाहिए तो इसका फोटो खींच के रख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फोटो खींच के रख लो तो सही रहेगा। गो फॉर इट फास्ट। डन, फोटो खींच लिया सबने। चल लिखना है तो लिख भी सकते हो बाद में, जैसे चाहिए वैसे। सो आज का कंटेंट मैं यहां पे स्टॉप करता हूं, लेकिन कुछ दिल की बात मुझे बोलनी है रिगार्डिंग स्पेसिफिकली दिस बैच, क्योंकि मैं मेरे दिल से पूरा ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको पूरा लॉ हाथ में दे दूं। तो हम इस बैच में क्या करने वाले हैं इसको अगले 5 मिनट में मैं बोलता हूं, और जरा गौर से सुनना, यह आपके बड़े काम में आएगा कि मैं इस बैच में क्या क्या करना चाहता हूं। ये डे 1 पे ही मैं बोलूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, सो प्लीज कम। इस बैच में आपको 1000% कंसेप्ट क्लैरिटी रहे, ये मेरी जिम्मेदारी। सेकंड, जो चार्ट्स और मैं एनालिसिस दूंगा, द चार्ट्स एंड एनालिसिस, आपके पास अगर बुक्स आ गई होगी, पीडीएफ आपने ऑर्डर किया होगा तो बुक्स भी आ गई होगी, आपने देखना। दोज आर अनमैच्ड, जो खुद प्रिपेयर किए हैं मैंने, तो अनमैच कहीं नहीं मिलने वाले आपको। साथ में हम यहां पे पूरे क्वेश्चनेयर का डिस्कशन लेंगे, क्वेश्चनेयर डिस्कशन जरूर होगा पूरा का पूरा यहां पे। एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू एक्सपेक्ट मत करना। और चौथा, हम सॉइल बनाएंगे थ्रू सोल बुक, एक जमीन बनाएंगे, जिस मैंने बोला ना, अगर आपको फूल चाहिए, गार्डन चाहिए, तो सॉइल पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम सोल बुक लेंगे, सोल बुक के अंदर कुछ अगले 7-7 दिन के हिसाब से मैंने अलग अलग टास्क रखे हैं, जिन टास्क को आपने जेन्युइनली कंप्लाई करना चाहिए। सोल बुक का एक लेक्चर भी होगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा, 4th-5th लेक्चर, जिसके अंदर आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस सोल बुक। सो सोल बुक में कुछ टास्क रहेंगे, जो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, अगर वो टास्क मैंने मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में देखे थे, जिसको अगर आप कंप्लीट करो, देखो मैंने तो मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में वो टास्क किए थे जबरदस्ती कंपल्शन की वजह से, लेकिन मैं चाहता हूं आप वो टास्क कंप्लीट करो। जैसे कुछ टास्क, जैसे डोनेशन देना, छोटे कि अपने वॉलेट की सबसे छोटी करेंसी को डोनेट करना, मैं खुद भी करता हूं काफी डोनेशंस, तो आपको मैं प्रोवोक करना चाहूंगा, इसके पीछे के रीजंस मैं बोलूंगा जब जरूरत है। या फिर एक दिन भूखा रहना, ये भी हमने किया है, जब मैंने मेरा प्रोफेशन सेट किया तब मैंने देखा था। या नींद ना लेना पूरी एक रात, सर क्या बात कर रहे हो, हाँ, फिर भूखा रहना और नींद ना लेना, ट्री प्लांटेशन करना, ऐसे आपके सोल बुक में नियरली टास्क लिखे हैं। 10 से 15 टास्क होंगे, ठीक है, 10 टास्क तो नियरली रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 60-70 लेक्चर है, तो 10 से 15 नहीं होंगे, 9 से 10 टास्क रहेंगे या 8 से 10 टास्क रहेंगे, जो टास्क का लिस्ट आपके सोल बुक में होगा, जो हम एक एक करके लेंगे स्लो, छोटे छोटे टास्क पहले, फिर उसको थोड़ा सा हेवी करते जाएंगे। बट आई विल टेल यू, इफ यू डू समथिंग बाय कंपल्शन, मेरे को भूखा रहना पड़ा था, मुझे नींद मैं नहीं ले सकता था, ये मुझे करना पड़ा,
जब भी आप कोई चीज कंपल्शन में करते हो उसका फायदा कम होता है, लेकिन अगर आप कोई चीज चॉइस से करते हो तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द सॉइल, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द मैन्योर, अगर हमें गार्डन्स चाहिए हमारे लाइफ में तो सॉइल और मैन्योर के ऊपर वर्किंग करना है तो टास्क तो लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये टास्क आपसे करवा रहा हूं कि कभी अगर इनकी जरूरत पड़े, कभी आपको जरूरत पड़े कि लास्ट 10 दिन आपके पास बचे, एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है एग्जाम के पहले और आपको बहुत पढ़ना है तो जाके करना पड़ेगा, देन यू डू इट बाय कंपल्शन, इट विल नॉट हेल्प यू, यू शुड डू इट बाय चॉइस। इसलिए टास्क हम पहले ही कंप्लीट कर रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ, जिसका खुद के ऊपर वर्क करने का कोई सेंस नहीं है, मैं अभी उसको बोलता हूं इसके बाद के सभी लेक्चर्स के लास्ट 15 मिनट स्किप कर देना, जहां मैं सोल बुक बोलूंगा या जहां मैं टास्क बोलूंगा, जहां मैं मेडिटेशन लूंगा, स्किप देम, डोंट वॉच इट, कंप्लेन मत करना, ठीक है। सोल बुक पे लेक्चर भी मत देखो, लास्ट 15 मिनट भी छोड़ दो, आपका टेंशन नहीं खत्म, सिर्फ कंटेंट एंटेन करो, खुश रहो। लेकिन जिसको खुद पे वर्क करना है परमानेंटली, दे शुड बी विथ मी इन दिस टास्क, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला, फर्स्ट प्रायोरिटी लिख के देता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी एंड कंटेंट, स्टडी एंड कंटेंट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उससे समय बचा तो सोल बुक है, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। सो कहीं पे भी मैं कंटेंट और स्टडी बिल्कुल दम के साथ बोलूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, देन उसके बाद सोल बुक आएगा, क्लियर है। सोल बुक इज ऑलवेज अ सेकंड प्रायोरिटी, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को याद रखना। और इस बैच से पांचवी चीज जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, बैच के साथ ही, बड़े गौर से सुनना, इस बैच के साथ ही आपके 2 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगे। सर कैसे, क्या बात कर रहे, 2 रिविजन? हाँ बेटा, फर्स्ट रीडिंग तो होगा ही होगा, 1 और 2 रिविजन्स भी आप पे कंप्लीट होंगे। जो हम 100 पेजेस की बुक बना रहे हैं एक्स्ट्रा वाली, वो इसी के लिए बना रहे हैं, और वो 100 पेजेस की एक्स्ट्रा की बनाना, क्योंकि ये 2 रिविजन करने के बाद लास्ट 24 आवर्स में एग्जाम के वक्त आपने क्या पढ़ना है वो सब चीजें मैं आपको नोट करवा के दूंगा कि आपने ये चीजें लास्ट 24 आवर में पढ़नी है। एंड आई विल टेल यू, बिलीव मी, जो प्लान किया है अगर हम उसको इंप्लीमेंट कर ले तो आप का लॉ, मैं प्रॉमिस करता हूं, सबसे स्ट्रांग होगा पूरे इंडिया में, अगर हम ये कर ले तो। मैं गुरु हूं, गुरु वर्ड का मतलब होता है गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स टू लेट अवे, पूरा तो डार्कनेस मैं नहीं कर सकता, सोल बुक इज हम्बल अटेम्प्ट कि आपके लाइफ का डार्कनेस भी हम इसमें से खत्म करें डेली 10-15 मिनट देके, पर एटलीस्ट लॉ का पूरा डार्कनेस तो मैं कंप्लीट करना चाहूंगा, इसको खत्म करना चाहूंगा। सो 2 रिविजन हम करेंगे और मैं आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दूंगा कि आपके बुक में लिखा हुआ होगा कि लास्ट 24 घंटे में मैंने कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं। पर पूरा सपोर्ट मुझे एक्सपेक्टेड है, नंबर ऑफ लेक्चर 60 के ऊपर चले जाए, थोड़ा इधर उधर 5-10, तो प्लीज डरना मत। अभी मैं टेंटेटिवली बोल रहा हूं क्योंकि 2 रिविजन वाला टास्क मैंने इस बार लिया है, सोल बुक के ज्यादा अमेंड्स इस बार ले रहा हूं, क्वेश्चन और डिस्कशन लास्ट की 3 जो चीजें हैं ना वो सभी की सभी इस बैच में मैं नई इंप्लीमेंट कर रहा हूं, टोटली न्यू चीजें हैं। तो मुझे आपके सपोर्ट की अपेक्षा है। लास्ट बैच में 53-54 लेक्चर्स में खत्म हो गया था विदाउट ऑल दीज थिंग्स, पर इस बार मैं इसको सीरियस लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहूंगा, भले ही स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इनको इंप्लीमेंट करूं। और अगर आप सच में क्वेश्चनर डिस्कशन सोल बुक 650 प्लस क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कवर करने वाले हैं, सो अगर सच में ये हो जाता है तो इट विल बी नोटेड इन योर 100 पेजेस बुक कि मैं लास्ट 24 घंटे में इतने मिनट में इतने सेकंड में यही कंसेप्ट पढ़ूंगा और उसके इतने ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी मैं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आपको फ्रेंकली बोलू तो अगर आपको मेरा 1 डे रिविजन देखने की जरूरत पड़ी ये बैच करने के बाद, अगर आपको मेरा 1 डे रिविजन देखने की जरूरत पड़ी ये बैच करने के बाद, तो मेरे लिए अटर फेल्योर होगा। आई एम स्पीकिंग आउट इन फर्स्ट डे इटसेल्फ, आई नो कि किस तरीके के गट्स मुझे लग रहे हैं बोलते वक्त, पर अगर आपको मेरा ही 1 डे रिविजन देखना पड़ा ये बैच करने के बाद तो इट विल बी अटर फेल्योर। यू आर लुक, नहीं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, 1 डे रिविजन देखना पड़ा बाय कंपल्शन में बोल रहा हूं। अगर आप कंपल्सरी मेरा 1 डे रिविजन देखना पड़ रहा है तो यह अटर फेल्योर रहेगा। लेकिन अगर आप बाय चॉइस देख रहे हो कि आपके पास एक्स्ट्रा समय है कि नहीं, अब मेरा सब हो गया, सर ने सब डिनोट करके दिया, हर चीज मेरी लास्ट 24 घंटे की रेडी है, फिर भी मेरे पास 2 दिन बच रहा है, मैं सर का 1 डे देखना चाहूंगा, तो फिर मैं बहुत खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। इफ यू आर डूइंग माई 1 डे रिविजन आफ्टर दिस बाय चॉइस, आई विल बी द हैप्पीएस्ट गाय, बट इफ यू आर डूइंग इट एज अ कंपल्शन तो दिस बैच विल बी अटर फेल्योर। लेकिन इसके लिए आप और मेरा दोनों का साथ जरूरी है, मैं सब चीजें आपसे करवाऊंगा, एवरी सिंगल गॉड डैम थिंग आई विल डू इट, बट आई विल रिक्वायर योर सपोर्ट। और आप सपोर्ट में क्या कर सकते हो,
नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर देखिए, पहला सपोर्ट नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर देखिए, हर जो रूल हर जो इंस्ट्रक्शन में देता हूं, इवन फॉर आस्किंग अ क्वेरी, इवन फॉर सिंगल क्वेरी, इवन फॉर वॉचिंग अ सिंगल मिनट यूट्यूब वीडियो, अगर 10 सेकंड का भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालू वो आप देखो, तो हर चीज अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की अगर मुझे प्रॉमिस करते हो, आई विल प्रॉमिस यू कि मैं आपका सब्जेक्ट बना के दूंगा। 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अब हैंड आ चुका है, ऐसा लग रहा है गॉड्स ग्रेस आ चुका है, ऐसा लग रहा है, मैं ओवर एस्टिमेट या इगोइस्टिकली नहीं बोलूंगा, पर मैं सच में बोलता हूं कि इस बार प्लान काफी स्ट्रांग है। सो प्लीज बी देयर, आई एक्सपेक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम यू। अगर अगले 60-70 दिन में हम ये कर देते हैं तो यू विल मैसेज मी कि सर वी अचीव इट करके, आई होप सो वी विल अचीव इट, बिकॉज इट इज जस्ट अ प्लान एंड वी रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपके साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए भी लास्ट तीन नीचे की तीन चीजें नहीं हैं, विल डू इट, विल ट्राई टू डू इट एट अवर बेस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। आई होप सो कि आपको पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा, ऑब्वियसली पहले हाफ डेमो इंस्ट्रक्शन ज्यादा थे, लेकिन मैंने पहले ही बोला अगर आप इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करोगे तो ही ये होना चाहिए, अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो ये करना मुश्किल है, दैट्स व्हाई बचा हुआ डेढ़ घंटा जो मैंने पढ़ा है, इस कंटेंट आपको पसंद आया होगा, इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली याद रखना। आज आप एक 200 पेजेस के बुक के साथ, अगर जिन्होंने बुक्स नहीं बनाई, एक 200 पेजेस की पूरी ब्लैंक बुक और एक 100 पेजेस का पूरा ब्लैंक रजिस्टर, 200 पेजेस का ब्लैंक रजिस्टर, 100 पेजेस के ब्लैंक रजिस्टर के साथ डेली कल से आप रेडी रहना, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड कि आपको समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। कल के लेक्चर से मैं इसको शुरू कर दूंगा, फर्स्ट रिविजन सेकंड रिविजन के मेरे जो पैटर्न है वो कल के रिविजन से मैं शुरू कर दूंगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड हिम, या एटलीस्ट एक दो लेक्चर्स हम और लेंगे जिससे इसको समझना आसान होगा, ठीक है। सो प्लीज टुमारो लेक्चर देखिएगा, एंड आई होप सो कि आपको एक सो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। स्टूडियो रिकॉर्डिंग की वजह से अगर कोई भी गलती मुझसे हो रही है या कोई स्पीड में मैनेजमेंट में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, क्योंकि इससे सामने बच्चे होते तो समझ में आता है, वो क्वेरी पूछते हैं, पर स्टूडियो रिकॉर्डिंग में अपफ्रंट आपको सॉरी बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।